anniversary of November Revolution in Russia. And we know that the energy and the inspiration from the development of Russia channelized the anti-colonial movements going at that time. And particularly in India, Bhagat Singh and their comrades were taking inspiration from that and trying to give direction to that time going anti-colonial movement. And from our side, we salute that all revolutionary developments and spirit which brought fundamental changes in our society and in the continuation of advancement of the world. And coming back to the session, हमारे स्टडी सर्कल सीरीज का फर्स्ट सेशन है जिसमें जिसका इसके बाद भी दो सेशन होंगे जिसका एक टॉपिक है रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट एंड पेट्रियार्की, दूसरा एक सेशन है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अक्रॉस वर्ल्ड उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग कलेक्टिव से एक और सेशन किए थे, सीरीज किए थे इंडियन फिलोसफी ऑफ मतलब इंडियन थॉट्स और मूवमेंट को लेके, अंबेडकर एंड सोशलिज्म, गांधी एंड सोशलिज्म, हिंदुत्व नेशनलिज्म एंड पेट्रियार्की के ऊपर और साइंटिफिक सोशलिज्म को लेके। तो जो भी साथी इस स्टडी सर्कल सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या फिर फॉर फर्दर अपडेट के लिए, तो एक अटेंडेंस सीट सर्कुलेट की जाएगी, प्लीज आप उसको फॉर्म फिल कर देते हैं। तो now I would like to call Professor Archana Agarwal. She is the faculty member at Hindu College in Economics Department. So, ma'am, please join the session. Take the presentation. Over to you. Okay. Thank you, Adarsh. मेरा मैंने सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। तो मुझे ये कहा गया था कि आई हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू मार्क्सियन इकोनॉमिक्स। अब मार्क्सियन इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो हर बार जब कैपिटलिज्म क्राइसिस में आता है, हर बार कैपिटलिज्म के लिए दिक्कतें पैदा होती है, सो द इंटरेस्ट इन मार्क्सियन इकोनॉमिक्स गेट्स एक्टिवेटेड। मैंने 2008 के बाद शायद मैंने पिछले 20 साल में उतनी मार्क्स की जो आइकॉनिक किताब है कैपिटल, वो उतना सेल नहीं हुआ था जितना कि 2008 के बाद हुआ। सो एवरी टाइम दैट देयर इज अ क्राइसिस और एवरी टाइम दैट कैपिटलिज्म फेसेस अ प्रॉब्लम, देन पीपल गो बैक टू मार्क्स टू अंडरस्टैंड व्हाट कैपिटलिज्म इज। बिकॉज इवन टिल डेट, आई मीन डिस्पाइट द फैक्ट दैट लॉट ऑफ पीपल एसोसिएट मार्क्स विद different people associate Marx with different types of things and they associate rightly so people would associate Marx with a certain kind of philosophy ka matlab hai ek tarike se sochne ka tarika, some would associate Marx with workers movement, to international worker working class movement ka to foundation jo first international tha usme to Marx the hi member, to ye sari baat sach hai, lekin perhaps the most important thing that we need to understand is that Marx provided until date, that is the only, I think, comprehensive understanding of how capitalism works. So Marxian economics ki beginning ya Marxian economics ka introduction, essentially Marx capitalism ko kis tarike se dekhte hain usse joda hua hai. So I'll start with that. Aap log mere ko bata denge if I should switch to English or Hindi, और दूसरा अगर मेरे को स्लो या फास्ट जाना है, और बीच में मैं थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल करूंगी। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग सम वेरी वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मार्क्सियन इकोनॉमिक्स। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ अस, कैन आई स्टार्ट द बोर्ड राइट नाउ? इट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं बोर्ड अभी शुरू कर दूं? आप लोग मेरे को बताएं, वेयर इज द ऑल टैब? वेयर इज द मीटिंग गॉन नाउ? एक सेकेंड, या कैन यू पीपल सी माय बोर्ड ऑल्सो? बोर्ड दिख रहा है सबको? या यस ठीक है। तो मार्क्स जो है उनका लाइफ टाइम था 1818
टू 1883, ये था मार्क्स का पीरियड। और मार्क्स जिस समय लिख रहे थे, खास तौर पे अगर हम कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल बेसिकली 1867 में पब्लिश हुआ था और ये था फर्स्ट वॉल्यूम। आप लोग को शायद सबको पता होगा कि कैपिटल के तीन वॉल्यूम्स थे, बाकी दोनों वॉल्यूम्स एक्चुअली उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। एंड देयर सम मैन्युस्क्रिप्ट्स व्हिच देयर आर पीपल इन जर्मनी हु आर बेसिकली कलेक्टिंग देम होपिंग टू ब्रिंग आउट द फोर्थ वॉल्यूम। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑलरेडी हैं, उसको लोग वो कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। इन एनी केस, सो कैपिटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट विच एनालाइजेस कैपिटलिज्म वो 1867 में लिखा गया था। अब इस जिस समय मार्क्स लिख रहे थे, ये पीरियड वो पीरियड था विच इज अ वेरी टर्ब्यूलेंट पीरियड इन हिस्ट्री। बहुत उथल पुथल का समय था, क्योंकि अगर आप ये पीरियड देखेंगे जिस समय की मार्क्स बात कर रहे हैं, तो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में कैपिटलिज्म जो है वो ऑलरेडी डोमिनेंट हो चुका था। क्या कैपिटलिज्म है ये हम बात करेंगे ही, पूरा प्रेजेंटेशन ही इसी के ऊपर होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म को अगर हम समझेंगे दैट इसेंशियली इज मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट कैपिटलिज्म इज। तो कैपिटलिज्म हैड बिकम डोमिनेंट स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। शायद आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड बेसिकली हैपेंड इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 1700s। तो इस समय कैपिटलिज्म जो है दुनिया में, खास तौर पर यूरोप में, कैपिटलिज्म बोल के एक व्यवस्था, कैपिटलिज्म बोल के एक सिस्टम, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट बिकेम डोमिनेंट। नाउ व्हाट वाज सो इंपॉर्टेंट अबाउट कैपिटलिज्म? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ अ सोसाइटी विच इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म, मैंने हजारों साल तक एक तरह की सोसाइटी चल रही थी, उस सोसाइटी की जगह पर अब एक नई सोसाइटी आ गई है। और इस सोसाइटी की क्या खासियत थी, और जब यह सोसाइटी आई है, इसी सोसाइटी को एनालाइज कर रहे हैं मार्क्स भी, और इसी सोसाइटी के आने के साथ साथ जिसको हम इकोनॉमिक थ्योरी बोलते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी इसेंशियली बिगैन विद दैट। उस समय उसको बोला जाता था क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, किसी किसी ने तो सुना ही होगा, एडम स्मिथ का, रिकार्डो का, वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये लोग, दीज पीपल वर राइटिंग एट दैट टाइम, एडम स्मिथ इन 18th सेंचुरी, रिकार्डो वाज राइटिंग ऑलमोस्ट अराउंड द सेम टाइम एज मार्क्स, तो ये लोग भी उसी समय लिख रहे थे। इन सब का कोशिश एक ही थी, वो ये थी कि दे वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट द सोसाइटी वाज, क्या खास बात हो गई थी सोसाइटी में, क्योंकि हजारों साल तक तो एक तरह की सोसाइटी चल रही थी, अब क्या हो गया सोसाइटी में। और इट बिकम्स इवन मोर पर्टिनेंट अगर आप ये समझे कि अगर हम टोटल मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए टोटल ह्यूमन स्पीशीज जो है उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर 1 day या 24 hours है, तो कैपिटलिज्म का ड्यूरेशन मात्र 4 minutes था, 4.3 minutes टू बी प्रिसाइज। सो दैट मीन्स अ सोसाइटी विच केम इनटू, विच वाज इन एग्जिस्टेंस, विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस for such a short period of human life, what is so special about that society? Why is that society become so important? Okay, that's something that one needs to think about, because human species has existed for lakhs of years, for more than 1.5 lakh years. Or capitalism ki agar hum baat kare, to capitalism maximum aap bolenge ki 18th century mein aa gaya hai, to kitna, 300 saal bhi nahi hue. So what is so great about capitalism? ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैपिटलिज्म, अनलाइक द सोसाइटीज दैट केम बिफोर कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म वाज अ वेरी वेरी डायनामिक सिस्टम। मार्क्स कंटिन्यूअसली एम्फसाइजेस ऑन दैट। मार्क्स हमेशा ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत डायनामिक है, जो एवोल्यूशनरी है, जो स्टैटिक नहीं है, जो कंटिन्यूअसली अपने आप को री इन्वेंट करता है, कंटिन्यूअसली अपने आप को चेंज करता है। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म बहुत ही रेजिलियंट सिस्टम है। ओके, द अदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कैपिटलिज्म वाज दैट कैपिटलिज्म के साथ साथ ही हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, यानी कि अब
पहली बार ऐसा हो गया कि मार्केट डिटरमिन करेगा हाउ प्रोडक्शन कंजम्पशन, मतलब लोग कैसे अपनी जीविका चलाते हैं, हाउ पीपल मेक अ लिविंग, दैट वुड बी डिटरमिन्ड बाय मार्केट. ये पहली बार हुआ, ठीक है, मतलब पूरी हिस्ट्री में. और कुछ लोग, और कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जिसमें देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ, मतलब इतना इंक्रीज हो गया इनकम एंड वेल्थ कंपेयर टू अर्लियर सोसाइटीज कि शायद आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली जानते होंगे, एडम स्मिथ ने तो अपनी किताब का नाम दिया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. क्योंकि सडनली जो हजारों लाखों साल तक नहीं हुआ था, सडनली ह्यूमन सोसाइटी स्टार्टेड सीइंग दैट काइंड ऑफ इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ. बट एज इट सॉ एन इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ, इट ऑल्सो सॉ अ मैसिव इंक्रीज इन इनइक्वालिटी एंड इंपावरिशमेंट. कि इनकम और वेल्थ भी बहुत बड़ा और साथ साथ असमानता भी बढ़ी, साथ साथ गरीबी भी बढ़ी. तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही थी. इनफैक्ट ये टाइम था जब मार्क्स जब लिख रहे थे, बोला जाता है कि मार्क्स के अपने सोचने के तीन इंस्पिरेशंस थे, थ्री सोर्सेज एंड थ्री कंपोनेंट्स, जिसमें एक फ्रेंच यूटोपियंस भी थे. मैंने फ्रांस में लोग थे जो इस इनइक्वालिटी और इंपावरिशमेंट को देख के दे बेसिकली वर विशिंग टू मूव इनटू अ मोर इक्वल सोसाइटी, बट दे हैड नो एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म. मैंने उनका उनका कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये जो सोसाइटी है कैसी, लेकिन इसके अंदर के इंपावरिशमेंट को देख के उनको लगता था कि एक इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए. खैर, इन एनी केस, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग. तो अगर मान लीजिए, अगर हम उस समय फॉर अ मोमेंट इफ यू थिंक योरसेल्फ ट्रांसपोर्टेड टू दैट पीरियड, इफ सपोज आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले के पीरियड में, खास तौर पे अगर आप समझ लीजिए कि 9th century, यानी कि आप 800 AD से लेके लगभग 1600-1700 इस पूरे पीरियड तक अगर आप रहते, जिसको यूरोप में फ्यूडल पीरियड भी बोला जाता है, मिडीवल एजेस इन यूरोप, अगर आप इस पीरियड में रह रहे होते, तो आप, आई मीन इवन इफ यू हैड गॉन बैक समवेयर आफ्टर 5 years, 10 years, 20 years, आपको वर्चुअली कोई चेंज नहीं दिखता, क्योंकि ये सोसाइटी प्रैक्टिकली स्टैग्नेंट थी. इसमें कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, इसमें कोई आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा था. लेकिन उसके कंपैरिजन में जैसे ही कैपिटलिज्म डोमिनेंट होता है, यानी कि अब 18th सेंचुरी से अब तक की अगर हम बात करें, तो सोसाइटी बहुत ज्यादा डायनामिक हो गई. जो हजार साल में नहीं हुआ वो 150 साल में हो गया. ओके, सो द ह्यूज इंक्रीज, so much so that some people started calling it end of history. मतलब वो बोलने लगे कि अब ह्यूमन स्पीशीज जितना डेवलप कर सकता है उतना कर चुका है, अब ह्यूमन स्पीशीज को और डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है. सो यू रीच द एंड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री आगे चेंज ही नहीं हो सकती. ठीक है, उनका ये कहना था. सो बिफोर वी बिगिन टू अंडरस्टैंड वॉट कैपिटलिज्म इज एंड वॉट मार्क्स हैड सेड अबाउट कैपिटलिज्म, कुछ चीजें जो कैपिटलिज्म में और बाकी सोसाइटीज में, कैपिटलिज्म के पहले जो सोसाइटीज थी उनमें सिमिलर है, पहले हम उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे. विल जस्ट फोकस ऑन दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ देर वॉज अ कंटिन्यूटी फ्रॉम द अर्लियर सोसाइटीज, बट देर वॉज ऑल्सो अ चेंज वेन कैपिटलिज्म केम अबाउट. ओके, इनफैक्ट टू अंडरस्टैंड मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, वन ऑल्सो हैज टू अंडरस्टैंड मार्क्सियन फिलोसफी. और मार्क्स की फिलोसफी का एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट यह था कि एवरीथिंग इज इन कॉन्स्टेंट चेंज. इसका मतलब कोई सोसाइटी भी स्टैटिक नहीं है. ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म आ जाएगा तो वो एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया. ऐसा नहीं है कि हमेशा से कैपिटलिज्म था. इनफैक्ट इफ यू लुक एट मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म्ड, तो आप मार्क्स बकायदा, मार्क्स की मार्क्स और एंगल्स जो उनके साथ लिख रहे थे,
उन्होंने बकायदा एक थियोरी दी थी कि कैसे सोसाइटीज चेंज होती गई हैं और फिर और उस चेंज के ही प्रोसेस में कैपिटलिज्म आया है. सो वन, देर इज ऑल सोसाइटीज और ह्यूमन सोसाइटी और सोसाइटी इन जनरल गोज थ्रू कॉन्स्टेंट चेंज. सो विच इंप्लाइज दैट कैपिटलिज्म इज अ हिस्टोरिकली कंडीशन सोसाइटी. हिस्टोरिकली कंडीशन का क्या मतलब है कि ये हमेशा से नहीं था, ये हिस्ट्री के पॉइंट पे कैपिटलिज्म आया. माने अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी को देखते हैं तब कैपिटलिज्म नहीं था, एक पॉइंट पे सोसाइटी बदली. एक पॉइंट पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद खासतौर पे हम टाइमलाइन अगर देखें तो हम बोलते हैं उसके बाद सोसाइटी बदली. किस तरीके से बदली वही हम बात करेंगे. और यानी कि वो एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटलिज्म आया. और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ह्यूमन स्पीशीज की हिस्ट्री में कैपिटलिज्म का लेंथ ऑफ लाइफ मात्र 4 मिनट है पूरे 24 आवर्स में. ओके, सो इट इज अ हिस्टोरिकली कंडीशन सोसाइटी. लेकिन एक और चीज जो मार्क्स ने कहा था विच इज ट्रू फॉर नॉट जस्ट कैपिटलिज्म बट फॉर ऑल ह्यूमन सोसाइटीज, वो ये कहा था कि ह्यूमन कोई भी ह्यूमन सोसाइटी हो उसमें प्राइमरी चीज क्या है. प्राइमरी चीज ये है कि मेन एंड वेमेन दे अंडरटेक वर्क और दे लेबर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट देयर लिविंग फ्रॉम नेचर. यानी कि लोग जो है वो नेचर से अपनी जीविका एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो लेबर करते हैं, यानी कि वो नेचर के ऊपर काम करते हैं जिससे कि वो जिंदा रहते हैं. सो दिस इज ट्रू फॉर एंशिएंट हिस्ट्री. यानी कि अगर आप स्लेव सोसाइटी की बात करें रोम में, रोमन सोसाइटी की बात करें वहां पर भी ह्यूमन बीइंग्स लेबर करते थे. अगर आप मिडीवल यूरोप में फ्यूडलिज्म या सामंतवाद की बात करें वहां पे भी लोग काम करते थे. और कैपिटलिज्म की बात करें तो वहां भी लोग काम करते थे. यहां तक कि इवन वी गो टू प्री हिस्ट्री, यानी कि हम हंटिंग गैदरिंग वाली सोसाइटी की अगर बात करें, हम तो बोलते ही नहीं कि हिस्ट्री तब शुरू हुई है, वो तो प्री हिस्ट्री मानी जाती है. तो जब जब लोग गुफाओं में रहते थे या पेड़ों पे रहते थे, आई मीन इफ वन गोज टू व्हाट इज कॉल्ड प्रिमिटिव कम्युनिज्म, तो उस प्री हिस्ट्री में भी ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली अंडरटुक लेबर. वो काम करते थे, उस काम से दे मैनेज टू एक्सट्रैक्ट देयर लिविंग. लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़ता गया, यानी कि सोसाइटी में की प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, माने इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि आई वॉन्ट टू कम टू कैपिटलिज्म. माने आप केवल ऐसे सोच लीजिए कि प्रिमिटिव सोसाइटी में हंटिंग गैदरिंग स्टेज में लोग जितना प्रोड्यूस कर सकते थे डेफिनेटली उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस अभी कर रहे हैं. तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ती गई तो साथ साथ एक चीज और बढ़ा सोसाइटी में. दिस कॉन्सेप्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन क्योंकि ये हम यूज करेंगे, विच इज सरप्लस. सोसाइटी में सरप्लस भी बढ़ता गया. सरप्लस का मतलब बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कोई एक सोसाइटी 100 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, 100 उत्पादन उसका 100 है, लेकिन इस सोसाइटी को इसी स्केल पे माने इसी स्तर पे इसी लेवल पे अगर इसको अपने आप को मेंटेन करना है तो मान लीजिए उस 100 में से 40 है उसके कॉस्ट. तो यानी कि 40 तो खाने पीने के लिए जरूरत पड़ेगी ही, तभी सोसाइटी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा एट द सेम लेवल. तो ये जो फर्क है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट दैट अ सोसाइटी प्रोड्यूसेस एंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सब्सिस्टेंस और मिनिमम कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं सरप्लस, इकोनॉमिक सरप्लस. इस पे मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम कैपिटलिज्म समझेंगे. तो अगर हम अच्छा 1 मिनट मैं बीच में ये पूछना चाहती हूँ, इज माई पेस ऑल राइट? आप क्या मेरे को धीरे या ज्यादा तेज बोल, आई मीन शुड आई इंक्रीज और डिक्रीज माई पेस?
मैम यू आर परफेक्टली ऑलराइट, वी कैन अंडरस्टैंड. ओके परफेक्ट, ठीक है. तो अगर हम इस इकोनॉमिक सरप्लस को देखें तो जैसे मैं आपको ये बता रही हूं कि जैसे एंशियंट सोसाइटी थी, एंशियंट भी नहीं प्री हिस्ट्री थी, यानी कि जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी उसमें प्रैक्टिकली इंसान सब इकट्ठे ही प्रोड्यूस करते थे. मैंने एनिमल्स को मारने को अगर हम प्रोडक्शन बोले, अगर हम पेड़ पौधों से फल फूल लेने को प्रोडक्शन बोले, तो जितना प्रोडक्शन था उतना ही कॉस्ट था, जितना आउटपुट था उतना ही कॉस्ट था. जिसका मतलब है इस सोसाइटी में देयर वाज नो सरप्लस, इकोनॉमिक सरप्लस जीरो था इस सोसाइटी में, प्री हिस्ट्री की सोसाइटी में. लेकिन धीरे 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 जैसे इंसान की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़ती गई, फॉर इंस्टेंस जब इंसान ने सीखना शुरू किया कि भाई हम केवल जानवर को मार के हमें आज ही खाना जरूरी नहीं है, हम सॉल्ट यूज करके हम जानवर को प्रिजर्व कर सकते हैं, या इंसान ने ये सीखा कि हमें केवल हम पेड़ पौधे उगा भी सकते हैं, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती गई तो सोसाइटीज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक सरप्लस, यानी कि अब वो 100 प्रोड्यूस करने लगी. लेकिन अगर उनको केवल जिंदा रहना है तो कॉस्ट तो केवल 40 थी. तो क्वेश्चन ये उठा, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इस सरप्लस का होगा क्या. यानी कि जो सर इसमें दो तीन ऑप्शन ही हो सकते हैं. एक हो सकता है कि जितने लोग हैं उन सब में इक्वली डिवाइड कर दो, सबके सब को सरप्लस मिल जाएगा. दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अब हम सबके सब, पहले हम 8 घंटे काम कर रहे थे, हम अब जो है अपना काम का ड्यूरेशन कम कर देते हैं. तो अगर हम कैपेसिटी बढ़ भी गई है प्रोडक्शन की, लेकिन अब हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, हम लेजर ले रहे हैं, तो अब हमें 40 की जरूरत है, हम 40 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. तीसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि इस सोसाइटी में हम कुछ लोगों को बोले, एक क्लास जिसको हम बोले कि तुम प्रोड्यूस करोगे, और एक दूसरी क्लास है, मैं इसको अभी क्लास 1 क्लास 2 बोल रही हूं, जो दूसरी क्लास है वो बोल रही है कि तुम लोग प्रोड्यूस करो, हम खाली बैठेंगे, वी विल बेसिकली लिव ऑफ द लेबर ऑफ क्लास वन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे अगर हम रोमन एंशियंट रोम की बात करें स्लेव सोसाइटी में, तो आप लोग ने सब सुना होगा कि एक स्लेव ओनर्स थे, एक तरफ स्लेव्स थे. तो हम ये बोल रहे हैं, स्लेव ओनर्स ने बोला कि भाई अब तो सोसाइटी की कैपेसिटी तो इतनी हो गई कि सब जिंदा रह सकते हैं, तो अब हम लोग आराम करेंगे और जो स्लेव्स हैं उनसे हम काम कराएंगे. तो स्लेव्स काम करते थे और स्लेव्स को उतना दिया जाता था कि स्लेव जिंदा रह सके, और बाकी जो एक्स्ट्रा था वो स्लेव ओनर्स उसको यूज करते थे, उसको अप्रोप्रिएट करते थे एंड उसको यूज करते थे. ओके, सिमिलरली अगर हम मिडीवल यूरोप की बात करें, जिसको सामंतवाद या फ्यूडलिज्म भी बोला जाता है, तो सामंतवाद में क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स थे, वो सारे जमीन के मालिक थे, और मैंने एक तरफ थे लैंडलॉर्ड्स और एक तरफ थे जिनको हम बोलते थे सर्फ्स, यानी कि वो जमीन पे काम करने वाले लोग थे. तो जो सर्फ थे, मैंने इस तरीके की कुछ सोसाइटी थी वो, कि लैंडलॉर्ड ने बोला कि ये जमीन मेरी है, इस छोटे हिस्से पे तुम काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस पे साथ अगर इस पे जितना प्रोड्यूस करोगे उसका एक हिस्सा मुझे देना, या फिर बोला कि ठीक है तुम हफ्ते में 4 दिन मेरे लिए काम करना, 3 दिन अपने लिए काम करना. ईदर वे हाउएवर यू लुक एट इट, व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट वन क्लास एज सून एज सोसाइटी कुड प्रोड्यूस इकोनॉमिक सरप्लस, सो दैट ऑल्सो गेव राइज टू क्लासेस वेयर द वन क्लास, the ruling class who were the rulers, that started living off the labor
of the ruled class or the dominated class, यानी कि सरप्लस के आने से क्लासेस भी शुरू हो गई सोसाइटी में. क्लासेस का मतलब यही है, क्लासेस के मतलब पे मैं अभी थोड़ी देर में आती हूं, लेकिन बेसिकली वन सेट ऑफ पीपल स्टार्टेड लिविंग ऑफ लेबर ऑफ अनदर सेट ऑफ पीपल. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट का मतलब, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन. हम कैपिटलिज्म में भी आएंगे. अब ये एक्सप्लॉयटेशन और लिविंग ऑफ द लेबर ऑफ सम अदर पीपल, सम अदर क्लास, दिस इज ट्रू फॉर स्लेवरी, दिस वॉज ट्रू फॉर फ्यूडलिज्म, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर कैपिटलिज्म. कोई कैपिटलिज्म कोई अलग नहीं है इन सोसाइटी से. इस मामले में एक्सप्लॉयटेशन इन सारी सोसाइटीज में है, यानी कि वन क्लास इज लिविंग ऑफ द लेबर ऑफ अनदर क्लास. कैपिटलिज्म में फर्क यह है कि एक्सप्लॉयटेशन होता किस तरीके से है. देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन हाउ एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस, हाउ वन क्लास लिव्स ऑफ द लेबर ऑफ अनदर क्लास, दैट चेंजेस विद कैपिटलिज्म. लेकिन इन एवरी क्लास सोसाइटी, दैट मींस एवर सिंस इकोनॉमिक सरप्लस स्टार्टेड बीइंग प्रोड्यूस्ड, द रूलिंग क्लास और द डोमिनेटिंग क्लास started living off the labor of the dominated class. So under slavery, it was a slave owner who lived off the labor of slave. Under feudalism, it was the land owner or the feudal lords who lived off the labor of serf. Under capitalism, it is the capitalist who lives off the labor of worker. तो इस एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटीज में भी था, कैपिटलिज्म में भी होता है. लेकिन कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कैपिटलिज्म में, वो उससे हम समझेंगे कि कैपिटलिज्म है क्या. तो एक्सप्लॉयटेशन दोनों में हो रहा है, बट इट इज इन कैपिटलिज्म इट इज हैपनिंग थ्रू द मार्केट. कैपिटलिज्म में इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है कि आपको देखने में दिखता नहीं है वो एक्सप्लॉयटेशन. कैपिटलिज्म के पहले के जो सिस्टम्स थे उन सिस्टम्स में दिखता था, और देयर वाज अ पर्सनल एलिमेंट, यानी कि पर्सनल डोमिनेशन का एलिमेंट था. मुझे पता है अगर मैं स्लेव हूं कि मुझे स्लेव ओनर जो बोलेगा वो मुझे करना ही है. अगर फ्यूडलिज्म में इफ आई नो आई एम अ सर्व देन आई एम ओब्लाइज्ड टू द लॉर्ड, आई हैव टू ईदर वर्क फ्री फॉर द लॉर्ड और आई हैव टू give part of what I am producing to the Lord. तो एक personal relation था, उस personal relation के जरिए exploitation होता था in societies prior to capitalism, in societies which came before capitalism. लेकिन capitalism में यही exploitation happens through the market. ठीक है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता है. तो वो चीज हमें देखनी होगी. So at this stage only, एक चीज आप एक इंपॉर्टेंट चीज में फर्क समझ लीजिए, इनकम इनइक्वालिटी और क्लास इनइक्वालिटी. अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आई हैव 1000 रुपीज एंड यू हैव 500, दैट इज ओनली इनकम इनइक्वालिटी. कैपिटलिज्म में भी इनकम इनइक्वालिटी बहुत बड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जब हमारा पर्पस होगा क्लास इनइक्वालिटी समझने का, क्लासेस तब बनती हैं अगर एक क्लास लेबर कर रहा है और दूसरा क्लास इज लिविंग ऑफ द लेबर ऑफ द अर्लियर क्लास. तो एक काम करता है, दूसरा उसके काम पे जीता है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंट क्लासेस. तो इसलिए जब हम क्लास इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि कोई लेबर करने वाले क्लास में है, कोई उस लेबर के जरिए जीने वाले क्लास पे है जो खुद कुछ नहीं कर रहा है या नहीं करने की उसको जरूरत है, वट एवर. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम इनइक्वालिटी, दिस डजंट मैटर. मार्क्सियन एनालिसिस में इसका कोई रोल नहीं है. हम बात कर रहे हैं क्लास इनइक्वालिटी की. सो
अब हम आ जाते हैं कैपिटलिज्म पे, और अब हम अगर कैपिटलिज्म पे आते हैं तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर व्हाट कंटिन्यूज फ्रॉम अर्लियर सोसाइटी विद कैपिटलिज्म इज द फैक्ट कि एकदम शुरू से, मतलब ये तो ह्यूमन सोसाइटी के शुरुआत से ही, एक लेबर इज सेंट्रल, इंसान लेबर नहीं करेगा तो कुछ खाएगा नहीं, तो लेबर इज सेंट्रल इवन इन कैपिटलिज्म, वो पुरानी सोसाइटीज में भी था। जब से सरप्लस पैदा शुरू होना हुआ है तब से देर इज अ एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस, जिसका मतलब है कि सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, वन क्लास वर्क्स, अदर क्लास अप्रोप्रिएट्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि एक क्लास है जो काम करता है जिसने 100 यूनिट्स बनाए, और दूसरा जो क्लास है उसने कुछ नहीं काम किया लेकिन उस 100 का एक बड़ा हिस्सा उसने यूज किया, खा लिया, अपने पास ले लिया, अप्रोप्रिएट्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो ये चीजें तो जो पुरानी सोसाइटीज में है वो कैपिटलिज्म में भी है, लेकिन कैपिटलिज्म में फर्क क्या है पुरानी सोसाइटी से, और दीज आर द थिंग्स दैट वी विल लुक एट, कि कैपिटलिज्म में फर्क ये है कि कैपिटलिज्म में हम बोलते हैं एक, हम यूज करते हैं एक टर्म कमोडिटी, हम बोलते हैं कैपिटलिज्म में कमोडिटी प्रोडक्शन बिकम्स जेनरलाइज्ड, यानी कि ये सोसाइटी ऐसी है, मैं एक एक करके मैं ये बोलती ही जाती हूं। देखिए एक कमोडिटी हम उस चीज को बोलते हैं जो कोई ना कोई ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, प्लस जिसको बेचा और खरीदा जा सकता है, व्हाट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मेकिंग अ टेबल फॉर माय ओन यूज, उसको कमोडिटी नहीं बोला जाता है, बट इफ आई एम मेकिंग अ टेबल जिसको मैं बेचना चाहती हूं उसको हम कमोडिटी बोलते हैं। लेकिन कमोडिटी का मतलब यह है कि कोई ना कोई यूज तो वो सेटिस्फाई करेगा, मुझे टेबल अगर नहीं भी चाहिए, आपको चाहिए तभी आप खरीदोगे। तो कोई भी अगर ह्यूमन लेबर हो रहा है किसी भी सोसाइटी में, तो जिस भी उस लेबर का एक अर्थ तो है ही, लेबर तभी होगा अगर ऐसी कोई चीज बनाई जाएगी जो किसी ना किसी के काम आएगी, किसी ना किसी के वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन तो अगर हम पुरानी सोसाइटीज को देखें, प्राइमरली प्रोडक्शन वॉज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि अगर हम स्लेव सोसाइटी में देखें, सच बात है कि स्लेव्स की एक मार्केट थी, लेकिन जो स्लेव्स पैदा करते थे वो या तो स्लेव्स कंज्यूम करते थे या स्लेव ओनर कंज्यूम करते थे। अगर हम फ्यूडलिज्म की बात करें तो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था वो लार्जली सर्फ की फैमिली या फ्यूडल लॉर्ड की फैमिली अपने लिए यूज करती थी। कुछ चीजों का बाजार था, जैसे नमक का बाजार था, तेल का बाजार था, जेम्स ज्वेलरी का बाजार था इन लेटर फ्यूडल एज, बट दैट वॉज एन एबरेशन, यानी कि जनरली प्रोडक्शन क्यों हो रहा था, जनरली प्रोडक्शन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने होता था। बट अंडर कैपिटलिज्म जनरली प्रोडक्शन क्यों होता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दैट मीन्स कमोडिटी प्रोडक्शन बिकम्स जनरलाइज्ड। अब इस सोसाइटी में हो सकता है मेरे जैसा कोई इक्का दुक्का इंसान हो जो अपने लिए टेबल बना रहा है, दैट डजंट मैटर, लेकिन सोसाइटी जनरली किस बेसिस पे काम करती है, इस बेसिस पे काम करती है कि प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन लेबर आर बीइंग मेड टू बी बॉट एंड सोल्ड, कमोडिटी प्रोडक्शन बिकम्स जनरलाइज्ड। सेकेंड फीचर है कैपिटलिज्म का जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। अब बेसिकली मींस ऑफ प्रोडक्शन हर सोसाइटी में रहा है शुरू से, जब से ह्यूमन सोसाइटी शुरू हुई है। इसका सिंपल शब्दों में यह मतलब है कि जब इंसान लेबर कर रहा है तो लेबर करने के लिए
उसको जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इट इज बेसिकली मीन्स ऑफ लेबर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर. कि मैं फावड़े को यूज कर रही हूं जमीन पे, तो जमीन प्लस फावड़ा दैट बिकम्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मैं मशीन पे काम कर रही हूं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री प्लस मशीन वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. तो बेसिकली अगर इंसान को लेबर करना है तो लेबर करने के लिए वो जो चीजों को इस्तेमाल करता है दैट बिकम्स बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ कैपिटलिज्म एक ऐसा सोसाइटी है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स प्राइवेटली ओन्ड. इसका मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है, सारी फैक्ट्रीज, सारी लैंड्स, सारे मशीन्स, वो कौन ओन करता है? वो कैपिटलिस्ट क्लास ओन करती है. सो देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब सोसाइटी में एक हिस्सा वो है जो कैपिटलिस्ट है, उसको हम डिफाइन ही उस तरीके से करते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है. और दूसरा हिस्सा वो है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोलेटारियत और द वर्किंग क्लास. प्रोलेटारियत का मतलब ही है जिसके पास कुछ नहीं है, सर्वहारा. ओके, सो दिस इज द वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास वो है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, नो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है. नाउ व्हेन आई से प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब बेसिकली ये होता है, थोड़ा सा अगर हम स्लेवरी और फ्यूडलिज्म से कंपेयर करें, तो स्लेवरी में जो स्लेव था, मान लीजिए मैं स्लेव ओनर हूं और सौर्या मेरा स्लेव है, तो आई वुड ओन सौर्या एज वेल एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मैं स्लेव ओनर हूं तो उसमें तो स्लेव्स खुद स्लेव ओनर की प्रॉपर्टी थे. ठीक है, फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया जो फ्यूडल क्लास थी, फ्यूडल लॉर्ड्स की, वो जमीन का ओनर था, दे वर द ओनर्स ऑफ लैंड. लेकिन जो फ्यूडल नोबिलिटी थी, जो सर्फ थे, उनके वो बेसिकली प्रोड्यूसर थे, लेकिन सर्फ के पास अपना फावड़ा खुद रहता था. ये अलग बात है कि वो जमीन पे काम ही इसलिए कर पा रहा था बिकॉज देयर इज अ फ्यूडल लॉर्ड हु इज अलाउइंग हिम टू वर्क ऑन दैट लैंड. तो अब कैपिटलिज्म में पहली बार ऐसा होता है कि बेसिकली दो डिस्टिंक्ट क्लासेस बन जाती हैं. एक है कैपिटलिस्ट क्लास, सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इसके पास है, और एक है वर्किंग क्लास जिसके पास नो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. तो अब ये जब प्राइवेट ओनरशिप की जब हम बात करते हैं, ओनरशिप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. ओनरशिप का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं कैपिटलिस्ट हूं, मेरे पास मशीन है, मेरे पास फैक्ट्री है, तो ओनरशिप का मतलब है कि सोसाइटी भी इसको रिस्पेक्ट करेगा, लॉ भी इसको रिस्पेक्ट करेगा, ये मेरे को मेरा फंडामेंटल राइट होगा ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. और ओनरशिप की सबसे बड़ी बात यह है, आई कैन प्रिवेंट द यूज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय यू. यानी कि मैं, अब तुम मेरी मर्जी के बिना उस मशीन और फैक्ट्री को यूज नहीं कर सकते हो, आई विल प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दैट. सो प्राइवेट ओनरशिप मीन्स अ पावर टू रिफ्यूज एक्सेस टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू अदर पीपल. तो जब ऐसी सोसाइटी हो गई, इसी सेकेंड फीचर का एक और रिजल्ट हो जाता है, और जो केवल कैपिटलिज्म में होता है, वो ये कि मार्क्स बोलते हैं इसको लेबर पावर. लेबर पावर बिकम्स अ कमोडिटी. अब लेबर पावर और लेबरर में फर्क है. जब हम लेबर पावर की बात करते हैं तो लेबर पावर का बेसिकली मतलब होता है कैपेसिटी टू वर्क. तो अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, आज की दुनिया को अगर आप देखेंगे तो आज क्या होता है, मैं एक वर्कर, मैं क्या, आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कैपिटलिस्ट,
मैं बोलती हूँ कि ठीक है भाई, मैं महीने में आप मेरे को इतना वेजेस देंगे, आप मेरे को 10,000 रुपए देंगे, मैं 8 घंटे काम करूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या, और 8 घंटे काम करूंगी, लेकिन जब मैं आइडियल सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ एन आइडियल सिचुएशन, लेकिन जब काम का समय खत्म हो गया, तब मैं, दैट टाइम इज माई ओन टाइम, सो वॉट एम आई सेलिंग, आई एम नॉट सेलिंग माई सेल्फ, अनलाइक द स्लेव, आई एम सेलिंग माई कैपेसिटी टू वर्क फॉर सर्टन नंबर ऑफ आवर्स, एंड दिस कैपेसिटी टू वर्क इज वॉट मार्क्स कॉल्स लेबर पावर। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा यूनिक सोसाइटी है, एक यूनिक सिस्टम है, जिसमें कैपेसिटी टू वर्क इस यही बेचा और खरीदा जा रहा है, दैट बिकम्स अ कमोडिटी, ओके। और इसके साथ साथ और कई चेंजेस आते हैं कैपिटलिज्म में, सच एज सोचने के तरीके में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, उसमें हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली ये समझना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन होता कैसे है, हम ये समझना चाहते हैं, और वो बाकी सोसाइटी से फर्क कैसे है। तो वे ऑफ थिंकिंग में जस्ट कर्सरली मैं आपको बता रही हूं, जैसे कैपिटलिज्म में हम मान के चलते हैं कि अगर मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करती हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बीइंग वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस, जो आयन राइंड ने कहा था, मैं अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करूंगी, मैं अपने वेज को ज्यादा से ज्यादा करूंगी, सब लोग ज्यादा से ज्यादा अक्वायर करना चाहते हैं, तो वे ऑफ थिंकिंग में बहुत चीजों में बदलाव आ जाता है, तो उसमें अभी हम नहीं जाते हैं। तो हम बेसिकली इन चार चीजों के साथ वी विल अंडरस्टैंड हाउ द एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस अंडर कैपिटलिज्म। डू यू वॉन्ट मी टू वेट फॉर अ वाइल फॉर क्वेश्चंस, और शैल आई जस्ट कंटिन्यू? यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके, बहुत फास्ट अगर होगा तो प्लीज आप बता देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं कैपिटलिज्म में, बेसिक हमारा फोकस ये है कि इस कैपिटलिज्म में सरप्लस अप्रोप्रिएशन हो कैसे रहा है, यानी कि कैपिटलिस्ट स्लेवरी में तो बहुत क्लियर था, मैं स्लेव ओनर हूं, मैं तुम्हें मार पीट के, मैं तुमको बोलती हूं कि भाई तुम तो 10 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, वो तो एक पर्सनल डोमिनेशन था। फ्यूडलिज्म में भी बहुत क्लियर था, अगर तुम मेरी जमीन पर काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उस जमीन पर रहने ही नहीं दूंगी, अगर तुम मुझे नहीं कुछ दोगे जितना तुमने पैदा किया तो मैं तुम्हें जमीन पर रहने नहीं दूंगी। लेकिन कैपिटलिज्म में ये सरप्लस का अप्रोप्रिएशन कैसे होता है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे विच इज कॉल्ड कि जब हम कमोडिटी की बात करते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि चीजें एक दूसरे खरीदने बेचने के लिए बनाई जा रही हैं, तो कैसे इसका बेसिस क्या है, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच मार्क्स के पहले एडम स्मिथ, रिकार्डो, उस समय के सारे लोग ये बात करते थे, मार्क्स बस उन लोगों, मार्क्स का उन लोगों के प्रति एक क्रिटिसिज्म है, बल्कि एक किताब है उन्होंने, मार्क्स ने लिखी है, अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ क्लासिकल पोलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे। लेकिन अभी हम जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो है लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन समझने के लिए। तो अब पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं, मैंने आपको बोला कि कैपिटलिज्म में चीजें बेसिकली इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि हम उनको बेचना और खरीदना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर 10 pairs ऑफ शू को हम 2 tables से बेच पाते हैं, मान लीजिए, और या एक्चुअली लेट मी टेक इट इवन सिंपलर, मैं बोलती हूं कि 1 table 1 pair ऑफ शू के बराबर है। अब आप मेरे को क्या सोच के बता सकते हैं, क्या टेबल जो मेरा वांट को सेटिस्फाई करेगा और जूता जो मेरी वांट को सेटिस्फाई करेगा, उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। सो व्हाई डू यू थिंक टेबल कैन बी सोल्ड फॉर एक्सचेंज फॉर शू और एग्स और बेडशीट? मैंने क्या, ये क्या रीजन है, ऐसा क्यों है? और या मान लीजिए 1 kilo of wheat, सपोज
1 kilo of wheat is being sold exchanged for 1 bedsheet. तो क्या कॉमन है इनमें? ये तो बहुत अलग अलग तरीके हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो क्यों कोई एक बेडशीट 1 किलो वीट के लिए खरीदेगा? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉमन बिटवीन देम? जो वीट में भी है दैट दे हैव सम एक्सचेंज वैल्यू, जितना लेबर लगा है बनाने में. एग्जैक्टली एक्सचेंज वैल्यू वहीं से आता है. So I was deliberately not talking of use value, exchange value, but for those of you who are familiar with the terms, commodity is something which has both use value and exchange value. So, हाँ, ठीक बोल रहे हैं, whoever said this, कि basically कितना labor लगा. सच बात है कि table अलग जरूरत पूरा करता है, जूता अलग जरूरत पूरा करता है, but suppose one table took 1 hour to make, and one shoe also makes 1 hour to make, one pair of shoes, sorry. तो इसका मतलब हम उनको बराबर मान रहे हैं. अगर 1 किलो वीट पैदा करने में 2 घंटे लगे हैं और 1 बेडशीट बनाने में भी 2 घंटे लगे हैं, तो इसका मतलब वो बराबर है. So basically, the value, I mean, we are producing things for the purpose of exchange. That is what capitalism is. Commodity production has become generalized. Okay. Now, how much will I sell something for, or how much will I buy something for? That depends on the value of that commodity. And value of that commodity depends on the amount of labor which goes into making that commodity. ओके, अमाउंट ऑफ लेबर ऑब्वियसली हम टाइम के यूनिट्स में देखेंगे, तो कितना ड्यूरेशन, कितने घंटे, कितने साल, कितने दिन, व्हाट इज द ड्यूरेशन, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ लेबर दैट हैज गॉन इनटू अ पर्टिकुलर कमोडिटी, उससे हमें उसकी वैल्यू मिलती है. और अगर उतना ही लेबर लगा है 2 अलग अलग कमोडिटीज बनाने में, तो हम बोलेंगे कि दोनों की वैल्यू एक बराबर है, हम एक दूसरे के लिए उनको बेच सकते हैं. ओके, अब इसमें एक चीज क्लियर है, जब हम बोलते हैं कितना समय लगा है, ऑब्वियसली मार्क्स एक टर्म यूज करते हैं, सोशली नेसेसरी लेबर टाइम. मतलब मार्क्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक जूता का पैर बनाने में वैसे तो लोगों को 1 घंटा लगता है, लेकिन मैं बहुत लेजी हूं, मैंने 5 घंटे में बनाए तो मेरे जूते का वैल्यू 5 हो गया, ऐसा नहीं. तो बहुत लेजी या बहुत सुपर एफिशिएंट इंसान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो उस सोसाइटी में उस टाइम पर गिवन टेक्नोलॉजी में जितना टाइम लगता है. तो मार्क्स उसको बोलते हैं सोशली नेसेसरी लेबर टाइम. इन एनी केस, तो दैट गिव्स अ वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. अब हम आते हैं, वंस वी नो व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज, तो अभी हमने एक और बात की थी कि कैपिटलिज्म में लेबर पावर भी एक कमोडिटी है. तो अब हम लेबर पावर एक कमोडिटी है तो उसका भी वैल्यू होना चाहिए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कमोडिटी विच इज लेबर पावर? इसको थोड़ा केयरफुली समझ लीजिए, इसी में जिस्ट छुपा हुआ है एक्सप्लॉयटेशन का अंडर कैपिटलिज्म. तो वैल्यू ऑफ लेबर पावर हम कैसे देखते हैं? अगर लेबर पावर क्या है, कैपेसिटी टू वर्क. तो मान लीजिए मैं क्या बेच रही हूं, आई एम द वर्कर, आई एम सेलिंग माय कैपेसिटी टू वर्क फॉर 8 hours एवरी डे, दैट इज व्हाट आई एम सेलिंग. नाउ टू गेट दिस कैपेसिटी टू वर्क, सपोज आई नीड टू ईट 2 kilograms ऑफ व्हीट. मैंने उसमें कुछ कपड़ा भी होगा, कुछ जूता भी होगा, कुछ रेंट भी होगा, वो सब मैं बात नहीं कर रही. सपोज इस कैपेसिटी को, अब आपको इंसान को उसकी कैपेसिटी से थोड़ा फर्क करके सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक ऑफ मी एज अ पर्सन सेपरेट फ्रॉम माय कैपेसिटी टू वर्क. सो बेसिकली टू रिप्रोड्यूस माय कैपेसिटी टू वर्क, दैट मीन्स टू रिप्रोड्यूस लेबर पावर, यानी कि अगले दिन में भी मैं 8 घंटे काम कर पाऊं, उसके लिए मुझे
दो किलो वीट खाने की जरूरत है. ओके, तो टू रिप्रोड्यूस लेबर पावर इफ आई नीड टू किलोज ऑफ वीट एंड इफ टू किलोज ऑफ वीट आर प्रोड्यूस्ड इन टू आवर्स देन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी लेबर पावर बिकम्स रिड्यूस्ड टू द वैल्यू ऑफ दोज कमोडिटीज विच आर नेसेसरी टू रिप्रोड्यूस द लेबर पावर नेक्स्ट डे. तो लेबर पावर की वैल्यू इस एग्जाम्पल में दो हो जाएगी. ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ है? क्योंकि इससे ही एक्सप्लॉयटेशन जुड़ा हुआ है. Yes, sir. ये क्लियर हुआ है ना? इसमें ये एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि देखिए ये जो कैपेसिटी टू वर्क है ना, ये कैपेसिटी ये अब ये जो वैल्यू मतलब हो, ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय में अलग पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में ये अलग अलग चीज है. इसका मतलब ये मत समझिए मिनिमम लेवल, इसका मिनिमम लेवल नहीं है. अब स्वीडन में एक वर्कर को 8 घंटे काम करने के लिए उसको जो चीजें चाहिए और इंडिया में एक वर्कर को जो चीजें चाहिए, दोनों में बहुत फर्क है. बट स्टिल सो वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स डज से दैट दिस डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरिकल कंडीशंस, डिपेंड्स ऑन द कल्चरल कंडीशंस एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर विद द कैपिटलिस्ट. जहां पे वर्कर स्ट्रॉन्ग है वो बोलेंगे हमें 2 किलो वीट नहीं, हमें 4 किलो वीट चाहिए, तब हम अगले दिन 8 घंटे काम कर सकते हैं. तो ये याद रखिए कि ये इन चीजों पे डिपेंड करता है, ये कोई मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल नहीं है. बट स्टिल व्हाटएवर कमोडिटीज आई नीड टू कंज्यूम, आई एज अ पर्सन, आई अर्चना, व्हाटएवर कमोडिटीज आई नीड टू कंज्यूम इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस माई लेबर पावर, मतलब बल्कि ये बोला जा सकता है कि जैसे कि कैपिटलिस्ट फैक्ट्री का मालिक है, मैं अपने लेबर पावर की मालिक हूं. तो आई ओन दिस कमोडिटी कॉल लेबर पावर. तो मुझे लेबर पावर को अपनी इस कमोडिटी को रिप्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो भी कमोडिटीज चाहिए, वॉट एवर आई नीड, सो दैट वैल्यू ऑफ दोज कमोडिटीज बिकम्स द वैल्यू ऑफ लेबर पावर. इज दैट ओके? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस अंडर कैपिटलिज्म एंड हाउ दिस एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस. अब देखिए एक हमारा कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट के पास मशीन और फैक्ट्री है, और एक हमारा वर्कर है. वर्कर ओन करता है ओनली द लेबर पावर. ठीक है, कैपिटलिस्ट वर्कर को एम्प्लॉय भी कर सकता नहीं भी कर सकता है. वर्कर क्योंकि देखिए कोई भी सोसाइटी लेबर पे ही काम करती है और लेबर के लिए मींस ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो वर्कर की मजबूरी है कि इफ द वर्कर नीड्स एक्सेस टू मींस ऑफ प्रोडक्शन द वर्कर विल हैव टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कैपिटलिस्ट. और मान लीजिए कैपिटलिस्ट बोलता है कि आदर्श कैपिटलिस्ट है और आदर्श बोलता है, मुझे बोलता है मैं वर्कर हूं, मैं बोलती हूं कि भाई मैं काम करने के लिए तैयार हूं, सो आई विल वर्क 8 आवर्स एवरी डे. एंड आदर्श टेल्स मी कि ओके आई विल गिव यू 2 रुपीज एज वेजेस, यू विल वर्क फॉर 8 आवर्स एवरी डे. ठीक है, मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में आता है प्रॉब्लम क्या है, 2 रुपए अगर मुझे वेज मिलेगा तो उस 2 रुपए से मैं 2 किलो वीट खरीद लूंगी, 2 किलो वीट खरीद लूंगी तो आई कैन कम एंड वर्क द नेक्स्ट डे, दैट्स इनफ फॉर मी, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ माई लेबर पावर. तो अगर मुझे 2 मिल रहा है तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है. और क्योंकि कैपिटलिस्ट के पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है तो ये तो कैपिटलिस्ट ही तय करेगा कितने घंटे काम करना है. तो कैपिटलिस्ट कहता है कि तुम 8 घंटे काम करो और सारे उस कॉन्ट्रैक्ट में कैपिटलिस्ट ही तय करेगा कि उस 8 घंटे में मैं किस स्पीड पे काम करूंगी, किस मशीन पे काम करूंगी, कैसे काम करूंगी, कितने मुझे ब्रेक मिलेंगे, नहीं ब्रेक मिलेंगे, ये सारा कैपिटलिस्ट तय करेगा. ठीक है, तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे को तो अपना 2 किलो वीट खाने के लिए मुझे 2 रुपए मिल रहे हैं,
तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ध्यान से हम इस वर्कर का 8 घंटे की दिनचर्या देखें, तो ये वर्कर सुबह जाता है 9 बजे काम पे, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जब वो काम कर रहा है तो 2 घंटे तो पूरे हो गए। कैपिटलिस्ट ने बोला है कि तुम्हें 8 घंटे काम करना है, तो यानी कि 6 घंटे उसको और काम करना है, ठीक है ना, यानी कि वो 5 बजे तक उसको काम करना है। अब ये है 6 आवर्स। अब ध्यान से इस चीज को देखें, तो यानी कि जब मैं 8 घंटे काम करने जा रही हूं, जो पहले 2 घंटे हैं 9 बजे से 11 बजे तक, उसमें समझ लो मैंने उतनी देर काम किया है जितनी देर 2 किलो वीट पैदा होने में लगता है, और उस मेरे को अगर 2 किलो वीट मैं खा सकती हूं, तो लगभग आई कैन से दैट दीज 2 आवर्स आई वर्क फॉर माई सेल्फ। दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड पेड लेबर, क्योंकि इस 2 घंटे में मैंने उतना काम किया है जितना जरूरत है मुझे उस वीट को खरीदने के लिए, ठीक है। बाकी जो 6 घंटे हैं दैट इज अनपेड लेबर, दिस आई एम वर्किंग फॉर द कैपिटलिस्ट, ओके। और इन टेक्निकल लैंग्वेज पहले 2 घंटे को बोला जाता है नेसेसरी लेबर टाइम, और दूसरे 6 घंटे को बोला जाता है सरप्लस लेबर टाइम। अब इसको बहुत और इसको एक्चुअली इसको थोड़ा सा डिटेल में करने की जरूरत है, बस एंड वी विल एंड सून, बिकॉज दिस इफ यू अंडरस्टैंड दिस इज बेसिकली व्हाट यू विल अंडरस्टैंड द सरप्लस अप्रोप्रिएशन अंडर कैपिटलिज्म एंड व्हाई पीपल से दैट वर्कर्स आर फ्री, बट व्हाट दे डोंट रियलाइज दैट वर्कर्स आर फ्री बट दे आर ऑल्सो फोर्स्ड। ओके, सो वी आर टॉकिंग ऑफ अ वर्किंग डे विच इज एन 8 आवर वर्किंग डे। इसके पहले हम थोड़ा कैपिटलिस्ट की भी कहानी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए वो जो आदर्श जो कैपिटलिस्ट है, एंड लेट अस अज्यूम ही इज अ गुड पर्सन, हम मैंने कैपिटलिस्ट होने से वो खराब इंसान है, ग्रीडी इंसान है, ये सब हम बात नहीं कर रहे, वो एक सिंपल आदमी है, ठीक है। उसके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है, उसके पास 2 रुपए है, तो वो 2 रुपए से वो लेबर पावर खरीद रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो 2 रुपए से लेबर पावर खरीदता है, लेबर पावर खरीद के वो टेबल बनाता है। मान लो वो टेबल बनाने के बाद अगर वो 2 रुपए की ही टेबल बेचता है तो उसको ये सब काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ही स्टार्टिंग विथ 2 एंड एंडिंग विथ 2। तो उसको 2 रुपए से लेबर पावर खरीद के टेबल बनाने का फायदा तभी है इफ ही कैन सपोज सेल द टेबल फॉर मोर देन 2। अगर वो टेबल मान लो 8 रुपए की बेच पाता है तो कम से कम उसने कुछ कमाया तो सही। इसको हम टेक्निकली इस तरीके से देखते हैं, हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट शुरू करता है कुछ मनी के साथ, मनी एज कैपिटल 2 रुपए। वो कुछ कमोडिटी खरीदता है, क्या क्या कमोडिटी खरीदता है, रॉ मटेरियल, लेबर पावर, अभी हम रॉ मटेरियल को गायब कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, और उससे फिर वो नई कमोडिटी बनाता है जैसे कि टेबल, उस नई कमोडिटी को मार्केट में बेचता है। अब अगर जिस एम से उसने शुरू किया और जिस एम पे उसने खत्म किया अगर ये बराबर है, दैट मींस इफ ही स्टार्ट्स विद 2 रुपीज एंड एंड्स अप विद 2 रुपीज, व्हाई शुड ही अंडरटेक दिस एक्सरसाइज, इट्स कंप्लीटली यूजलेस फॉर हिम। ही विल ओनली अंडरटेक दिस एक्सरसाइज इफ एम डैश इज ग्रेटर देन एम। ही विल ओनली अंडरटेक दिस एक्सरसाइज अगर जितना पैसा वो एंड में उसको टेबल बेच के मिलता है वो उस पैसे से ज्यादा है जिससे उसने शुरुआत की है। यानी कि अगर उसको कम से कम 2 से ज्यादा तो उसको चाहिए, 2 से ज्यादा अगर उसको नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है, 2 रुपए लगा के इतनी मेहनत वो क्यों करे। वो कैपिटलिस्ट के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूं अभी, कोई फायदा नहीं है, ओके। तो ये जो फर्क है, ये जो उसको 6 मिला यानी कि उसको उसने शुरू किया 2 पे, उसको मिला 8,
ये जो फर्क है इसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। इसको ऐसे भी बोला जाता है जो M-M-, यानी कि जितने का उसने टेबल बेचा, माइनस जिससे उस जिस मनी से उसने शुरुआत की, माइनस M, दिस इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। अब हमारा पूरा फोकस यह है कि सरप्लस वैल्यू पैदा कैसे होता है कैपिटलिज्म में, क्योंकि और यह सरप्लस वैल्यू किसको मिलता है, कैपिटलिस्ट को। सरप्लस तो स्लेवरी में स्लेव ओनर अप्रोप्रिएट करता था, सरप्लस फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड अप्रोप्रिएट करता था, यहां पे कैपिटलिस्ट अप्रोप्रिएट करता है, लेकिन उसका फॉर्म अलग है। उसका फॉर्म जिसको मार्क्स बोलते हैं वैल्यू फॉर्म है, माने वो हमें दिखता नहीं है। तो अब एक और चीज, इसके पहले हमने ये बात की थी कि वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लेबर दैट गोज इन टू इट। तो अगर मान लीजिए वीट को बनाने में 2 घंटे लगे, जितना वीट मुझे चाहिए, तो वीट का वैल्यू है 2, और 2 किलो वीट ही चाहिए मुझे लेबर पावर को रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो लेबर पावर की वैल्यू है 2, ठीक है। और टेबल बनाने की अगर हम वैल्यू देखें, टेबल में कितने घंटे लगे, अगर 8 घंटे वो वर्कर काम कर रहा है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, तो यानी कि टेबल का वैल्यू है 8, लेबर पावर का वैल्यू है 2, टेबल का वैल्यू है 8। टेबल बनने में 8 घंटे लगे हैं, लेबर पावर के लिए मुझे 2 किलो वीट चाहिए, 2 किलो वीट के लिए 2 घंटे में पैदा होता है या जो भी होता है प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यूज आ गए यहां पर। अब आप देखिए, तो इसका मतलब, और ये कैपिटलिस्ट कोई खराब इंसान नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, कोई ग्रीडी इंसान नहीं है, कोई वर्कर का वेज मारने के लिए नहीं तैयार है, मैंने मारने के पीछे नहीं पड़ा है, वो केवल वर्कर को एक ही बात कर रहा है, मैंने आदर जो कैपिटलिस्ट है, फर्क इतना ही है उसके पास मशीन है, मैं जो वर्कर हूं मेरे पास मशीन नहीं है, हम दोनों की जरूरत है। वो बोल रहा है कि तुम आके काम करो, मैं बोल रही हूं कि ठीक है मैं 8 घंटे काम करूंगी, लेकिन मुझे इतने वेजेस मिलने चाहिए कि मैं अपना आई कैन रिप्रोड्यूस माई लेबर पावर। तो अब जब मैं सुबह काम करना शुरू करती हूं, जब तक मैं 2 घंटे पूरा होता है, तब अगर मान लो कैपिटलिस्ट ने मुझे यहां पे छुट्टी दे दी, उसने बोला अब तुम घर चली जाओ, दिस वॉज 9 AM एंड दिस इज 11 AM, तो इसका मतलब है कि इस टेबल के बनने में केवल 2 घंटे लगे होंगे, तो टेबल की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये कैपिटलिस्ट टेबल को केवल 2 रुपए का बेच पाएगा, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, ये तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। 2 रुपए का उसने वर्कर का लेबर पावर खरीदा, 2 रुपए की टेबल बेची। सो कैपिटलिस्ट हर हालत में वर्कर को उस 2 घंटे के बियॉन्ड काम कराना ही होगा उसे, नहीं तो इस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है। ये अलग बात है कि वो 2 घंटे के बाद 1 एक्स्ट्रा घंटे काम कराए, 2 एक्स्ट्रा घंटे काम कराए या 6 एक्स्ट्रा घंटे काम कराए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट ही विल हैव टू मेक द वर्कर वर्क फॉर लॉन्गर देन व्हाट इज नीडेड टू रिप्रोड्यूस द लेबर पावर। सो दैट मीन्स द फर्स्ट 2 आवर्स दैट द वर्कर इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, दिस इज द नेसेसरी लेबर टाइम, द एक्स्ट्रा वट एवर एक्स्ट्रा ही इज वर्किंग दैट ही इज वर्किंग फॉर द कैपिटलिस्ट, दैट्स कॉल्ड द सरप्लस लेबर टाइम। तो पहले 2 घंटे का जो प्रोडक्ट है वो तो मुझे वेज के रूप में वापस मिल गया है, लेकिन जो बाद के 6 घंटे का प्रोडक्ट है वो मुझे नहीं मिला है, वो किसको मिला है, वो कैपिटलिस्ट को मिला है, क्योंकि कैपिटलिस्ट ने 8 रुपए की टेबल बेची है और उसने 2 रुपए ही मुझे दिए हैं वेज में, ठीक है। सो नाउ अंडर कैपिटलिज्म ऑल्सो नाउ सरप्लस इज अप्रोप्रिएटेड by the capitalist, but the form of appropriation is through the market. पता भी नहीं चलता है। कैसे नहीं पता चलता है? क्योंकि आप ये बोलेंगे कि भाई मैं free हूं, me the laborer, मैं तो free हूं, मुझे आदर्श के यहां काम करना है, मुझे किसी और के यहां काम करना है, I'm free.
जो लोग नहीं देखते हैं, और यही मार्क्स पॉइंट आउट कर रहे थे व्हेन ही वाज क्रिटिकिंग द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक थियरी ऑफ दैट टाइम, कि लोग तो बोलते हैं कि भाई लेबरर फ्री है, आप टेबल बेचने के लिए फ्री है, मैं लेबरर ले अपना कैपेसिटी टू वर्क बेचने के लिए फ्री हूं, बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज आई एम फ्री बट आई एम ऑल्सो फोर्स्ड टू सेल द लेबर पावर. वाई एम आई फोर्स्ड? बिकॉज आई डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती हूं, तो इसलिए आई एम फ्री यस बट आई एम ऑल्सो फोर्स्ड. और यहां पर ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन याद करिए बेसिकली मीन्स व्हेन वन क्लास इज लिविंग ऑफ द लेबर ऑफ समबडी एल्सेस लेबर. तो यहां जो यानी कि वर्कर ने जो आठ घंटे पैदा जो आठ घंटे काम किया, उसका छह घंटे का जो काम है वो प्रोडक्ट कौन ले रहा है? कैपिटलिस्ट ले रहा है. सो दैट एक्सप्लॉयटेशन इज टेकिंग प्लेस, बट दैट एक्सप्लॉयटेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू द मार्केट. तो हमें पता ही नहीं चलता है, हमें लगता है कि कैपिटलिस्ट ने क्या प्रॉब्लम किया है. कैपिटलिस्ट तो वेज दे ही रहा है, वेज विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लेबर पार्ट, और कैपिटलिस्ट जो है वो टेबल बेच रहा है विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टेबल. तो कोई प्रॉब्लम तो इसमें है ही नहीं. सो यू डोंट रियलाइज हाउ दैट एक्सप्लॉयटेशन और सरप्लस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड. ओके सॉरी आदर्श, एक बात सुनी, आई मीन आई वॉज थिंकिंग आई शुड गेट इन टू हाउ प्रैक्टिकली द सरप्लस कैन बी सरप्लस अप्रोप्रिएशन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आई विल स्टॉप एट दिस स्टेज ओनली, जैसा आप लोग बोलेंगे. आई थिंक मैम अगर आपको कंटिन्यू करना है तो 10 मिनट तो हम लोग ये ले सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं. श्योर? ओके ओके ओके, सो लेट मी देन कंटिन्यू जस्ट बट ब्रीफली. ओके ठीक. तो बेसिकली ये जो है ना, तो हमने बोला कि ये है 2 and 8, इसको टेक्निक में थोड़ा सा बस टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रही हूं जिससे आपको आज का समय समझ में आएगा उससे. तो ये जो नेसेसरी लेबर टाइम है ना जो कैपिटलिस्ट ने वेज दिया, इसको हम वेरिएबल कैपिटल, मार्क्स ने इसको वेरिएबल कैपिटल बोला था, छोटा वी के रूप में दिखाया था. और ये जो आठ है ना जिसका फायदा कैपिटलिस्ट को मिल रहा है, ये है सरप्लस लेबर टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको सरप्लस बोला था, जिसको एस के रूप में दिखाया था. अब कैपिटलिस्ट को एक्चुअली कितना मिलता है वो है, माने कितना इज गिवन बाय एस बाय वी, यानी कि 8/2, यानी कि 2 रुपए लगाने से कैपिटलिस्ट 8 रुपए कमा रहा है. इसको रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू बोलते हैं. तो 8 घंटे, सॉरी सरप्लस तो 6 है, आई एम वेरी सॉरी. तो इसने 8 घंटे तो टोटल काम किया वर्कर ने, तो उसमें उस 8 घंटे में 6 घंटे का फायदा कैपिटलिस्ट ने लिया टेबल बेच के, और 2 घंटे का उसने 2 रुपए बेच दिया वर्कर को जिससे उसने वो खरीदा, वीट खरीदा. तो 6/2 ये है जो कैपिटलिस्ट को फायदा हुआ. अब अगर आप देखेंगे तो कैपिटलिस्ट आज का समय अगर आप देखते हैं, या कभी भी शुरू से कैपिटलिज्म के शुरुआत से अगर आप देखते हैं, तो कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में शुरू से सबसे बड़ा कंटेंशन क्या रहा है, जो मेडे के उसमें भी रहा है, विच इज द अमाउंट ऑफ टाइम. टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंटेंशन. वर्कर बोलेगा मुझे कम काम करना है, आप कैपिटलिस्ट बोलेगा तुम्हें ज्यादा काम करना है. Why is time so important? Because time will dictate कितना surplus capitalist appropriate कर पाया. Okay? तो ये appropriate करने के 2-3 बहुत common तरीके हैं, और जो अलग capitalism के अलग अलग समय पे ये अलग अलग तरीके use हुए हैं. तो this is V, this is S. तो एक तरीका है कि ये मैं ये भी दे देती हूं, 2 घंटे था, ये 6 घंटे था, टोटल वॉज 8. अब एक तरीका है, नंबर 1, यू मार्क्स ने ही इन तरीकों की बात की थी, यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वर्किंग डे. इसका मतलब क्या है? अब वो कैपिटलिस्ट बोलता है कि तुम 8 घंटे नहीं, तुम 10 घंटे काम करोगे.
अब वो वर्कर अगर 10 घंटे काम करता है, वेज उसको 2 ही मिलता है क्योंकि उस 2 में उसको 2 किलो व्हीट मिल रहा है, तो इसका मतलब अब कैपिटलिस्ट को कितना मिल जाएगा? 8। तो पहले वो 6 उसको मिल रहा था, 2 कैपिटलिस्ट दे रहा था। अब अगर वो वर्कर को और ज्यादा काम कराता है, वर्किंग डे बढ़ा देता है, 10 घंटे काम कराता है, तो एस प्राइम हो जाएगा 8/2। तो ये है 300%, ये है 400%। थोड़ा सा घंटा इधर उधर करने से बहुत फर्क पड़ जाता है, कैपिटलिस्ट को सरप्लस बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट के पास हो जाता है। या कैपिटलिस्ट मान लो पहले आधे घंटे का ब्रेक देता था वर्कर को पहले, अब कैपिटलिस्ट क्या करता है, वो ब्रेक को कम कर देता है। तो यानी कि ब्रेक के टाइम में भी वर्कर काम कर रहा है, ब्रेक इसका मतलब उस टेबल में ज्यादा, उस टेबल की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि पहले तो मैं आधे घंटे काम कर रही थी, वो उस टेबल की वैल्यू में नहीं इंक्लूड हो रहा था, लेकिन अब उसमें भी मेरे से काम कराया जा रहा है, तो इसका मतलब टेबल की वैल्यू बढ़ जाएगी, वेज तो उतने का उतना रहेगा, तो इसका मतलब फिर से एस बढ़ जाएगा, वी उतना ही रहेगा, यानी कि एस प्राइम बढ़ जाएगा। तो आप जब देखते हैं कि कैपिटलिस्ट कोशिश करता है कि ब्रेक टाइम कम हो, आपका टी ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक ये सब कम हो, उसके पीछे ये रीजन होता है। नंबर 3, कैपिटलिस्ट बोलता है कि आप और फास्ट काम करें, इंक्रीज द पेस ऑफ वर्क। मॉडर्न टाइम्स पिक्चर अगर आपने देखी है तो उसमें भी ये दिखाते हैं कि आप जल्दी और जल्दी और जल्दी काम करें। तो जल्दी काम करने से क्या हो रहा है, उसी टाइम में आपका पर यूनिट ऑफ टाइम हम ज्यादा लेबर लग रहा है, तो ज्यादा लेबर लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि अब मेरे को जो 2 किलो व्हीट के लिए काम करना था 2 घंटे, वो 1 किलो में एक घंटे में ही पूरा हो जाता है, और बाकी जो 8 घंटे में से 7 घंटे कैपिटलिस्ट के पास बच जाते हैं, यानी कि अब एस प्राइम 700% हो गया। तो अगर कैपिटलिस्ट इंक्रीज कराता है पेस, तो भी उसका मतलब होता है कि वो ज्यादा वैल्यू अप्रोप्रिएट कर सकता है, ज्यादा सरप्लस अप्रोप्रिएट कर सकता है। और एक और बड़ा कारण है इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, और एक और एक्चुअली कारण है डिक्रीज इन द वेज। यानी कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि मान लीजिए जो वीट पैदा हो रहा था, अब वीट पहले तो 2 किलो वीट के लिए 2 घंटे लगते थे, अब मान लो वीट पैदाइश में इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कि वही 2 किलो वीट 1 घंटे में पैदा हो सकता है। तो अब कैपिटलिस्ट बोलेगा मुझे कि ठीक है, मैं तुम्हें तो 2 किलो खाना है ना, तुम्हें मैं 1 रुपए दूंगा तब भी तुम 2 किलो खा सकते हो, क्योंकि अब वैल्यू ऑफ वीट कम हो चुकी है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से वो मेरे को 1 रुपए वेज देगा, और लेकिन उस 1 रुपए वेज से और यानी कि फिर वही सिचुएशन होगा, 7 घंटे मैं उसके लिए काम कर रही हूं, 1 घंटे अपने लिए काम कर रही हूं, और इसका मतलब है कि सरप्लस कैपिटलिस्ट ने बढ़ा दिया। और लास्ट सिचुएशन जिसको मार्क्स ने बहुत अहमियत नहीं दी थी, वो है डिक्रीज द वेज। यानी कि कैपिटलिस्ट ये कहता है कि तुम्हें 2 किलो खाने की क्या जरूरत है, तुम 1.5 किलो खाओ, तो मैं तुम्हें केवल 1.5 रुपए दे रहा हूं, ठीक है। सो दैट मींस दिस विल बिकम 1.5, दिस विल बिकम 6.5। लेकिन ये इस चीज को मार्क्स ने बहुत अहमियत नहीं दी थी। तो अगर आप देखेंगे आज किसी भी इंडस्ट्री में देखेंगे, ये सारे ही फिनोमेना हमें दिखते हैं। ये सारे फिनोमेना बेसिकली आर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एक्सप्लॉयटेशन, इंक्रीज इन सरप्लस अप्रोप्रिएशन बाय द कैपिटलिस्ट। ओके, बट वॉट वन नीड्स टू very importantly note here is two important things, and I will conclude here, that exploitation does not depend on, has nothing to do with, no relation with greed. मतलब ये कोई ये ऐसी बात नहीं है कि कैपिटलिस्ट बहुत ग्रीडी है इसलिए वो ये कर रहा है, ये उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि कैपिटलिस्ट तो MCM- में काम कर रहा है, तो उसको 2 घंटे से ज्यादा तुम्हें काम कराना ही है। और एक और चीज आप याद रखिएगा, मार्क्स इसके बारे में काफी बार बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट तो कंपटीशन में काम कर रहा है। मान लीजिए आदर्श ने
नहीं 6 रुपए कमाए, हो सकता है कोई और आके उससे ज्यादा कमाता है, ये तो इसका तो दुकान बंद हो जाएगी। तो एक कैपिटलिस्ट की मजबूरी है, मैंने हम बहुत ग्रीडी कैपिटलिस्ट बदमाश कैपिटलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज सिंपली व्हाट मार्क्स हैड कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म में हर कैपिटलिस्ट को ये करना ही पड़ता है, उसके पास कोई चारा नहीं है। मैंने जिसने वेज कम करके 1.5 रुपए कर दिया वो बदमाश है, लेकिन बाकी कोई बदमाश नहीं है, क्योंकि वो वेज उतना ही दे रहा है जिससे कि आप अपने लेबर पावर को रिप्रोड्यूस कर पाए अगले दिन। तो वो बदमाश नहीं है, तो भी द वे कैपिटलिज्म वर्क्स, इट इज वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट थ्रू द मार्केट द कैपिटलिस्ट अप्रोप्रिएट्स द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर ऑफ द वर्कर। ओके, सो दिस एक्सप्लॉयटेशन इज हैपनिंग थ्रू द मार्केट, सो विच इज वाई वी डोंट गेट टू नो। जो हम स्लेवरी फ्यूडलिज्म में देख पाते हैं, हम कैपिटलिज्म में नहीं देख पाते हैं। दूसरा, फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म में आमतौर पर बोला जाता है कि वर्कर फ्री है, तो वो वर्कर फ्री तो है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का गुलाम है, बट ही इज ऑल्सो फोर्स्ड। आई कैन चूज बिटवीन डिफरेंट कैपिटलिस्ट बट आई एम फोर्स्ड टू सेल माई लेबर पावर। आई मे बी फ्री बट आई एम फोर्स्ड बिकॉज आई डू नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। So even in an ideal situation where, I mean, the way capitalism works is such that the producer or the laborer is the worker and the product of the worker's labor is appropriated by the capitalist class. That's how the exploitation is taking place under capitalism. I think I will end here. ओके, वी आर नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। तो जिनका भी सवाल है वो मैसेज पे लिख सकते हैं या फिर पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली। तो या अगर कुछ चीज नहीं क्लियर होंगे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हेलो, या एम आई ऑडिबल? यस 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 माइक। Yeah, good evening, ma'am. So, yeah, ma'am, I wanted to ask that has there ever been a truly communist country? Because I was reading an article once and it was written there that, you know, socialism is a precursor to communism. And socialism is the where the government controls the means of production. And communism is where there is a collective ownership of not just the means of production, but also the private property. Marx wanted through communism, he wanted a classless, a stateless, and a moneyless society. So well, I'm not sure, Mehak, whether he wanted a moneyless society, but it's not a question of wishful thinking. There have been attempts, but I really don't think there has been a truly communist society, if you're talking of that. I don't think so. Why would we say that Russia as a communist country? Russia has well, that was not part of the presentation, Mehak. But I'm saying there have been attempts. There was an attempt in Russia to move to basically, and wo capitalism bhi nahi tha Russia mein to. Russia mein us samay capitalism nahi tha, jisko break karke ek socialist experiment hua tha. But I am not, I'm not kind of saying anything about whether, you know, wo experiment successful tha, nahi tha, ya usme kya khamiyan thi, kyun fail ho gaya. But that was just an experiment. Yes, there was an experiment. It was, I mean, I don't want to dismiss it also. I mean, of course, it was important. But it wasn't communism. Ma'am, there is a question from Ishan Pathak. Ma'am, could you explain in brief? Oh, sorry. Crisis ka koi question dikh raha tha mujhe. Yeah. Could you please explain in brief how does it tie back to the tendency of crises in capitalist society? So, ye isme aur 10 minute to lag jayenge, 5-10 minute. Do you people have the time? I mean, matlab hum log ye session ko thoda lamba bhi chala sakte hain agar ye baad mein FB live off karke to questions hum log le sakte hain. To theek hai, I can explain that. Aur bhi koi question hai? Aur koi? हाँ
या आई थिंक वो बेटर होगा शायद. ठीक है अभी भी अभी एक और कोई क्वेश्चन भी आया ना शायद. There is question from Riya Jeff. Assuming that surplus is necessary for progress in a society, we know that surplus will lead to class creation. Does that mean Marx is advocating a rejection of surplus creation? No, not at all. What I can answer without the, this I don't need to present. Not at all. एक चीज एक समझनी होगी कि देखिए मार्क्स जब बोल रहे हैं चीजें कांस्टेंट चेंज में हैं तो उसका मैंने एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी आई. इट डज नॉट मीन दैट मार्क्स इज कैटेगराइज गिव यू नो इज मेकिंग हायरार्की ऑफ द सोसाइटीज. वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये सोसाइटी बेटर है वो सोसाइटी खराब थी. वो ये नहीं कह रहे हैं. वो कहीं से ये नहीं कह रहे हैं. ये चेंज हो रहा है और ये चेंज होगा. सो चेंज इज प्रोग्रेस. ठीक है. तो आपका अब ये तो आप नहीं बोलेंगे ना कि सर किस सोसाइटी में सरप्लस नहीं था. सोसाइटी उसी सोसाइटी में सरप्लस नहीं था जो एकदम हंटिंग गैदरिंग प्रिमिटिव सोसाइटी थी. तो ये तो आप नहीं बोलेंगे कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो उसमें चला जाए हंटिंग गैदरिंग स्टेज में चला जाए. तो डेफिनेटली नॉट. आई डोंट थिंक सो. मार्क्स ये एकदम एडवोकेट नहीं कर रहे हैं. मार्क्स का बेसिक कोशिश ये है. उनका प्रेमिस ये है. वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिक कैपिटल में वो कैपिटल एज कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि कैपिटलिज्म काम कैसे करता है. या सॉरी मैम इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्वेश्चन रिया जेफ हैज आस्क्ड इफ सो देन डज दैट मीन वी शुड रिजेक्ट द प्रेजेंट नोशंस ऑफ प्रोग्रेस. What is the present notion of progress, Riya? मैंने आप मैंने देखिए मैंने हम बात कर रहे हैं सोसाइटी हमेशा चेंज होगी और सोसाइटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी. दैट इज वॉट द आई मीन दैट इज हाउ हिस्ट्री मूव्स. तो अब आप उसको प्रोग्रेसिव मैंने कैपिटलिज्म को आप प्रोग्रेस ही बोलेंगे ओवर फ्यूडलिज्म. आप कैपिटलिज्म को आप प्रोग्रेस ही बोलेंगे ओवर स्लेवरी ओवर प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी. लेकिन सवाल यह है कि क्या कैपिटलिज्म एंड ऑफ हिस्ट्री है? नहीं. अगर हिस्ट्री अब तक बदली है तो आगे भी बदल सकती है. There is one more question from Kanishk Singh. Do you not think there is a significant difference between the idea of exploitation in feudalist/slave society and capitalism? That is, in a capitalist society, the proletariat is not necessarily forced to work. He always has the agency to become a capitalist by taking the necessary step in bracket, which was not possible in a slave society or feudalism. Very good question, whoever has asked. देखिए ये in general इक्का दुक्का exception हो सकता है लेकिन in general नहीं possible है. क्यों in general नहीं possible है? क्योंकि अगर आप देखिए आप ये बात कर रहे हैं कि देखिए एक तो एक्सप्लॉयटेशन उन हर सिविलाइजेशन शुरू हुआ है. यानी कि सिविलाइजेशन मतलब जब से सरप्लस जनरेशन शुरू हुआ है तब से एक्सप्लॉयटेशन है. तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं रहा है. सो इट इज जस्ट द फॉर्म. एंड एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली मीन्स एज आई सेड अर्लियर दैट यू आर लिविंग ऑफ द लेबर ऑफ समबडी एल्स. ओके समबडी सम person is living off somebody else's labor. That's what exploitation means. Now, the form that exploitation takes has changed, definitely. तो उसमें जो है वो personal domination का एक relation था और आज जो है वो through the market हो रहा है. क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं अपना labor power बेच रही हूं और कोई और जो है वो अपना table बेच रहा है. तो देखने में लग रहा है कि हम लोग equals हैं. Formally, yes, we are equal. Even legally, we may seem like equals. But the point is that there is a difference. I do not own the means of production, you do. Ab agar aap jo bol rahe ho ki steps leke hum capitalist, to main maybe, ek to generally speaking, jaise maine aapko example diya, to wage aam taur pe value of labor power ke barabar hi hota hai. To mere ko apna pura wage main kharch hi karti hu. मेरा कोई सेविंग वगैरह नहीं रहता उसमें. जो सेविंग से धीरे 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 सेविंग इंक्रीज करके फिर मैं मशीन खरीद के कैपिटलिस्ट बन जाऊं, ऐसा
होता नहीं है. और अगर आप पूरी सोसाइटी को देखेंगे, मान लीजिए एक्सेप्शनली एक इंसान ऐसा है तो दूसरे दूसरे तो एक ऐसा भी होगा जिसको नहीं मिल रहा है. एक की सेविंग पॉजिटिव होगी तो एक की नेगेटिव भी होगी. तो ये यूजुअली नहीं होता है, फॉर सोसाइटी एज अ होल नहीं होता है. वर्कर्स कैन ओनली अफोर्ड टू बाय एंड व्हाट दे नीड टू बाय फ्रॉम देयर वेजेस. दे डू नॉट हैव इनफ टू बी एबल टू सेव सो एज टू बिकम अ कैपिटलिस्ट इन जनरल. Ma'am, Vishal Haldar is asking, ma'am, can you explain using Marx economics, what direction should a post-capitalist / socialist experiment strive for? That's a very big question. Not really. I would leave that question right now. क्योंकि देखिए Marx ने तो उसके बारे में ज्यादा बात की नहीं है. उसके बारे में बात की है मैंने, Oscar Lange, Gerle, ये सारे लोग थे जो जब रशिया में सोशलिस्ट ट्रांजिशन हुआ है तो वो इसके बारे में उन्होंने कोशिश की है. कुछ चाइनीज इकोनॉमिस्ट ने भी की है, लेकिन एक तो बहुत ज्यादा मेरा फेमिलियरिटी उस काम से है नहीं, और दूसरी बात है कि मार्क्स ने खुद इस पे बात नहीं की है. सो दैट वुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट अनदर प्रेजेंटेशन. तो इसलिए उसको मुझे लगता है कि छोड़ देना ही बेहतर होगा. मैम रितम दास इज आस्किंग, if the worker is not only paid what is needed for him to sustain himself, that is 2 kg of wheat, why should the M-M be not be capped at what the capitalist need to sustain himself and his means of production? Capitalist kis level pe sustain karega, aap bataiye. Kyunki capitalist ne 2 rupaye diye, 2 rupaye meri jeb mein hai, maine usse labor power kharida, maine table banaya. Agar mujhe, maine aap sustenance kisko bolenge? Kya cheez hai sustenance? उस 2 रुपए खर्च करके मुझे जितना ज्यादा मिल जाए वही मेरा सस्टेनेंस है. तो जितना ज्यादा कैसे मिलेगा? अगर मैं उस टेबल का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ पाए. टेबल का वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि कितने घंटे वो लेबरर काम कर रहा है. तो बाकी कैपिटलिस्ट जो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एक्चुअली आप ये जो 6 रुपए है ना जो कैपिटलिस्ट ने कमाए, जो ये कैपिटलिस्ट अपने कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करता है बल्कि क्राइसिस और ये जुड़े हुए. ओके लेट मी टेक दीज टू टुगेदर. और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं इनको इकट्ठे ले लेती हूँ. देयर इज टू मोर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. शुड आई रीड आउट और आफ्टर? बोलिए बोलिए. अच्छा बोलिए. हाँ बोलिए आदर्श. Astha Sharma is asking, ma'am, why the surplus which the capitalist is getting just considered his own consumption, as it also include the maintenance cost and certain type of cost, as he owns the means of production and labor is not having any cost except the one for his own consumption, but the capitalist just is not confined to only his own consumption. ठीक है, ये भी साथ में हो जाएगा. और बताएं. One more question from Kanish King is value of commodity always a function of labor power? Should it also not include the risk the capitalist take to build a factory, buy raw materials, etc.? Okay. चलिए तो let's do these together. तो देखिए screen दिख रही है ना आप लोग को? Yes ma'am. Yes ma'am. तो देखिए ये जो capitalist है, इसने 2 रुपए में शुरू किया, इसने labor power, इसने वेज दिया 2 रुपए, यानी कि इसने labor power खरीदा और इसने table बनाई. टेबल को बेचा इसने 8 रुपए का. ओके सो 2 and 6 एंड द टोटल इज 8. नाउ फर्स्ट थिंग, ये जो आप बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट का रिस्क है या कैपिटलिस्ट के पास और भी कॉस्ट है, डेफिनेटली वो कॉस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन के, वो कॉस्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं, उससे पूरा एनालिसिस में कोई चेंज नहीं होगा. थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैंने वो कॉस्ट नहीं इंक्लूड किए, क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल भी खरीदेगा, उसकी जो मशीन है वो वेस्ट, वो डेप्रिसिएट भी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है यहां समझने के लिए कि ये कैपिटलिस्ट का जो 6 रुपए है ना, जो इसका सरप्लस है, वो कैपिटलिस्ट सारा कंज्यूम नहीं करता है. इनफैक्ट मार्क्स सेज दैट कैपिटलिस्ट कंज्यूम्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस, इंक्रीजिंगली स्मॉल, बाकी वो एक्यूमुलेट करता है. मतलब मैं इसका मतलब आपको बताती हूं.
कि इसका मतलब बताने के लिए मैं थोड़ा सा और इस पूरी चीज को थोड़ा सा और बदल देती हूँ, वो ये बदलती हूँ कि देखिए एक्चुअली मार्क्स ने, जो मैंने अभी नहीं इंक्लूड किया, मार्क्स ने रॉ मटेरियल की बात भी की थी। तो मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदा 1 रुपए का, लेबर पावर खरीदा 2 रुपए का, यानी कि अब हम इस एम को 3 बना रहे हैं। कैपिटलिस्ट ने शुरू किया 3 रुपए के साथ, इस 3 रुपए के साथ इसने टेबल बनाई विच इज सी, और उस और या इसने खरीदा सी रॉ मटेरियल और लेबर पावर, और उसने टेबल बनाई, उस टेबल को उसने बेचा एम डैश यानी कि 8 का, ठीक है। तो अब उसका सरप्लस हो गया 8 - 3 = 5, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली अगर आप टेबल की वैल्यू देखेंगे, टेबल की वैल्यू के 3 कंपोनेंट्स है, मार्क्स इसको बोलते हैं कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू विच इज इक्वल टू 8। मैं इसका मतलब अभी आपको बताती हूं, प्लस 5। वो बोलते हैं कि देखिए जो मशीन थी या रॉ मटेरियल था, उसको रॉ मटेरियल को बनाने में अगर 1 घंटा लगा होगा तो रॉ मटेरियल की वैल्यू 1 है, तो वो रॉ मटेरियल तो पूरे के पूरा इस्तेमाल हो गया टेबल बनाने में, तो टेबल में वो 1 घंटा तो वैसे ही ट्रांसफर हो गया। इसको मार्क्स बोलते हैं कॉन्स्टेंट कैपिटल, ठीक है। तो 1 घंटा जो रॉ मटेरियल का वो सीधा 8 में पहुंच जा चुका है। जो लेबर, जो वेज दिया गया, लेबर पावर का जो वैल्यू है, उसको मार्क्स बोलते हैं वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। तो ये तो कैपिटलिस्ट ने दे दिया सी प्लस बी, ये पैसा उसने दे दिया था, उसको मिला कितना एक्स्ट्रा, मिला उसको 5, दैट इज क्योंकि 8 रुपए की उसने बेची, तो एस इज प्लस। क्या करता है जब इसको 5 एस मिल रहा है सरप्लस से, वो करता क्या है? इस सरप्लसम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर मैं कैपिटलिस्ट हूं तो मेरा स्टेटस इस पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी बड़ी कैपिटलिस्ट हूं कंपेयर टू यू। जैसे स्लेवरी में मैं स्लेव ओनर हूं तो मेरा स्टेटस इस पर डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने स्लेव्स हैं। फ्यूडलिज्म में एक राजा का स्टेटस इस पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी जमीन है। कैपिटलिज्म में मेरा स्टेटस इस पर डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना कैपिटल है। तो कैपिटल कितना था उसके पास? 3। वॉट ही स्टार्ट्स विद, दैट इज द इनिशियल कैपिटल, मनी विच इज बीइंग एडवांस्ड एज कैपिटल, कॉन्स्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल, 3 था। तो मैं तो ये चाहूंगी कि मेरे पास और कैपिटल आए, क्योंकि मैं तुम सबके साथ कंपटीशन में हूं। तो कैसे मेरे पास आएगा? सो ये जो सरप्लस है इसको कैपिटलिस्ट 2 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा कैपिटलिस्ट कंज्यूम करता है, एक हिस्सा कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेट का मतलब यह है कि नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर रहा है, यानी कि उस इस जो बाकी, मान लीजिए इस 5 में से इसने 5 है ना, 5 में से इसने कंज्यूम किया 1 और 4 किया एक्यूमुलेट। तो इस एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि वो अपने कैपिटल को और बढ़ाएगा, कैपिटल तो देगा, रॉपर पावर खरीदेगा, पहले उसने 3 लगाया था, अब वो ये और 4 लगा रहा है। तो ये सब अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, अब फिर से वो और सरप्लस पैदा कर सकता है, फिर उस सरप्लस के इंक्रीजिंग हिस्से को वो एक्यूमुलेट करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये प्रोसेस मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं ये एक रिलेंटलेस सीजलेस एक्टिविटी है, माने कोई कैपिटल वो, बल्कि मार्क्स यहां तक बोलते हैं, जब वो तो बात कर रहे हैं उस समय की जब कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई है दुनिया में, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई कैपिटलिस्ट को मजबूरी में अपने लिए सूट खरीदना पड़ गया है उस जमाने में, अगर आप 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो अर्ली कैपिटलिस्ट वर वेरी फ्रूगल, वो बहुत सिंपल लिविंग रखते थे, वो ऐसा नहीं है कि अयाशी कर रहे हैं, बल्कि उनको अगर मजबूरी में किसी पार्टी में जाने के लिए कुछ खरीदना पड़ रही है बड़ी गाड़ी, तो उनको बहुत उनको घबराहट होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं 1 की जगह 2 कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरे पास एक्यूमुलेशन के लिए कम बचेगा। तो कैपिटलिस्ट का मेन पर्पस होता है एक्यूमुलेट करना, क्योंकि एक्यूमुलेशन से वो ज्यादा सरप्लस बनाएगा, ज्यादा सरप्लस से वो ज्यादा कैप, फिर और ज्यादा सरप्लस बनाएगा।
तो वो बेसिकली ये एक्यूमुलेशन, जिससे कि वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बनाता रह सके, दिस इज हिज प्राइमरी मोटिव. ओके, दैट इज व्हाट द कैपिटलिस्ट डज. तो कैपिटलिस्ट कंज्यूम करने के लिए नहीं सरप्लस यूज करता है, वो एक्यूमुलेट करने के लिए सरप्लस यूज करता है प्राइमरीली. कंजम्पशन तो मजबूरी है जितना करना है. ठीक है. हाँ जी. एक क्वेश्चन है मेरा कि रिसेंटली दो तीन चार स्टेट गवर्नमेंट्स ने वर्किंग आवर को इंक्रीज कर दिया, ऐसा 10 hours कर दिया था अलग अलग, और लॉजिक ये दिया गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और एक अलग अलग लॉजिक जो न्यूलिबरल लॉजिक है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड सच मतलब लॉजिक्स. ये खत्म करके तब उस पे आते हैं, तो मैं इसे क्राइसिस भी जोड़ रही हूँ. तो देखिए, तो इसका मतलब कैपिटलिस्ट की कोशिश ये होती है कि सी प्लस वी प्लस एस, इसको वो इस एस को कैपिटलिस्ट यूज करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि अगर वो एक्यूमुलेट करेगा तो उसको और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा. ये है कैपिटलिज्म का लॉजिक. और सिंपल सी चीज ये है, अगर ये एक्यूमुलेशन किसी भी कारण से इफ इट गेट्स इंटरप्टेड, अगर ये रुक जाता है किसी भी कारण से, कैपिटलिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्राइसिस. क्राइसिस और कुछ नहीं है, इस कैपिटलिज्म अक्यूमुलेशन का इंटरप्शन को क्राइसिस बोला जाता है. ठीक है. तो अब ये क्यों हो सकता है क्राइसिस? अब अगर हम देखें जो मैं पहले आपको दिखाया था एम सी सी डैश एम डैश, तो कैपिटलिस्ट ने शुरू किया. अब नए वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया, कैपिटलिज्म ने 3 rupees से शुरू किया, जिसमें उसने मशीन खरीदी और लेबर पावर खरीदा, टेबल बनाई और 8 rupees की टेबल बेची. तो 6m-m जो डेल्टा m है वो कितना है? 5. ठीक है ना. तो यानी कि कैपिटलिज्म एक कैलकुलेट करता है एक चीज जिसको बोलते हैं प्रॉफिट. कैपिटलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका रेट ऑफ प्रॉफिट. 3 rupees लगाए तो उसको 5. सो रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m, विच इज इक्वल टू एस अपॉन सी प्लस वी. आप इसको चेक कर सकते हैं, सी था 1, वी था 2 और एस था 5. तो यानी कि मैंने लगाया कितना सी प्लस वी, मिला कितना 5. बराबर बात वही है. या मैंने टेबल बेची 8 की, टेबल शुरुआत करने में मुझे कितना लगाना पड़ा? 3. यह है रेट ऑफ प्रॉफिट. किसी भी कारण से अगर रेट ऑफ प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटलिस्ट जो है वो अपने एक्यूमुलेशन को बंद कर सकता है और तब हमारा क्राइसिस हो सकता है. ठीक है. अब ये रेट ऑफ प्रॉफिट कोई जरूरी नहीं है नेगेटिव हो. नेगेटिव का मतलब तो है कि उसने 3 rupees लगाए उसको, तब तो वो करेगा ही नहीं प्रोडक्शन. उसको 3 लगाए तो उसको 3 वापस मिला, तब भी वो प्रोडक्शन नहीं करेगा. लेकिन मान लीजिए पहले उसको 5 rupees वापस मिल रहे थे, धीरे 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 उसको 4 rupees वापस मिलने शुरू हुए. एक नॉर्म है कि भाई इतना तो मिलना ही चाहिए, उससे कम जब मिलने लगेगा तो वो अपने प्रोडक्शन को बंद कर देगा या कुछ समय के लिए इंटरप्ट कर देगा, रोक देगा. उस चीज को क्राइसिस बोला जाता है. और क्राइसिस हमेशा तभी होती है जब रेट ऑफ प्रॉफिट कम होने लगता है, बिलो वॉट एवर मार्क्स बोलते हैं, जो यूजुअल लेवल है उससे कम होने लगता है. अब इसके अलग अलग रीजंस हैं, बहुत सारी थियोरीज हैं क्राइसिस की. मार्क्स ने खुद तो क्राइसिस के बारे में कोई एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं लिखा था, लेकिन बाद में मार्क्सिस इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारी थियोरीज दी है क्राइसिस की, बहुत सारी. लेकिन उनमें तो हम अभी नहीं जा सकते. लेकिन बेसिकली हम इतनी बात कर सकते हैं केवल कि रेट ऑफ प्रॉफिट के कम होने का बेसिक कारण 2 हो सकते हैं. एक जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, दूसरा हम बोलते हैं सर्क्यूलेशन या रियलाइजेशन फेज. यानी कि एक कारण हो सकता है कि जब वो टेबल बना रहा था तो 5 rupees सरप्लस नहीं बन पाया, सरप्लस वॉज लेस देन 5.
वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वर्कर बहुत स्ट्रांग हो गए, उन्होंने बोला कि अब हमें दो नहीं, अब हमको तीन वेज चाहिए, इसलिए भी हो सकता है। ठीक है, और कई कारण हो सकते हैं कि एक तो हो सकता है कि प्रोडक्शन के टाइम पे सरप्लस कम हो गया, दूसरा हो सकता है सर्कुलेशन फेज बोलते हैं हम, कि जब टेबल बन गई है, पांच सरप्लस पैदा हो चुका है, टेबल तैयार है, लेकिन ये सरप्लस कैपिटलिस्ट को तभी मिलेगा ना जब टेबल बिकेगी। टेबल के रंग रूप में तो वो सरप्लस नहीं है, इट हैज टू बी सोल्ड फॉर 8 रुपीज, ओनली देन विल यू गेट दैट 5। लेकिन डिमांड कम हो गई, और क्योंकि डिमांड कम हो गई तो लोग 5 रुपए के लिए खरीदना ही नहीं चाह रहे टेबल, लोग खरीद रहे 4 रुपए का टेबल कि डिमांड कम हो गई। तो अब उसने शुरू तो 3 रुपए से किया था, लेकिन टेबल उसको बेचना पड़ा अल्टीमेटली 7 रुपए का, तो इसका मतलब सरप्लस हो गया, उसको 4 ही मिले। तो बेसिकली एक सरप्लस इवन एक कारण होता है सरप्लस कम होने का कि प्रोडक्शन में इनफ सरप्लस नहीं जेनरेट हुआ, एक रीजन होता है सरप्लस कम होने का कि डिमांड कम है इसलिए सामान ही नहीं बिका, इसलिए आपको कम पैसे पे बेचना पड़ा। तो एक होता है जेनरेशन, एक होता है रियलाइजेशन। तो अलग अलग थियोरीज हैं कि क्यों जेनरेट नहीं हो रहा है इनफ या क्यों रियलाइज नहीं हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब ऐसी स्टेजेस होती हैं तब कैपिटलिस्ट कुछ समय के लिए अपना एक्यूमुलेशन को रोक देते हैं, और जब वो अपने एक्यूमुलेशन को रोकते हैं वो हमें दिखता है क्राइसिस के रूप में। लेकिन वो एक्यूमुलेशन रोकना, एज मार्क्स वुड से, क्राइसिस इज नॉट द प्रॉब्लम, क्राइसिस इज नॉट द डिजीज, क्राइसिस इज अ सॉल्यूशन टू द डिजीज। डिजीज क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, डिजीज ये है। और जब क्राइसिस होता है तो फिर सिस्टम कुछ समय बाद अपने नॉर्मल स्थिति में आने लगता है। अगर आप पूरे कैपिटलिज्म की हिस्ट्री देखें तो इन्हीं अलग अलग कारणों से अलग अलग टाइम पे बड़े बड़े क्राइसिस हुए हैं, चाहे 1890s में हुआ है, 1930s में हुआ है, हाल में 2008 में हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्राइसिस के लिए तो एक अलग माने वो एक अलग बड़ा प्रेजेंटेशन होगा। और बाकी तो ये है बेसिक आइडिया, ये है क्राइसिस का। और आदर्श आप जो पूछ रहे थे, देखिए अगर नोट, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर लेंथ ऑफ वर्किंग डे बढ़ जाता है, तो लेंथ ऑफ वर्किंग डे बढ़ने का मतलब है कि आप कैपिटलिस्ट अपना सरप्लस बढ़ा पा रहा है, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू बढ़ा पा रहा है। तो इसी रूप में देखना होगा कि दिस बेसिकली वुड बेनिफिट द कैपिटलिस्ट इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। इसीलिए गवर्नमेंट बोलेगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ेगा ही इससे, ये कैपिटलिस्ट के ही फायदे का है। तो जो शुरुआत में जब कैपिटलिज्म शुरुआत हुआ था, जिस समय इनिशियल दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जस्ट बाद, तब तो 16-16 घंटे 12-12 घंटे काम का टाइम होता ही था। सो दैट वॉज इनफैक्ट मार्क्स इसमें भी फर्क करते हैं, एक बोलते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस, एक बोलते हैं रिलेटिव सरप्लस। तो जो बहुत समय बढ़ा के जो सरप्लस निकलता है उसको एब्सोल्यूट सरप्लस बोलते हैं। तो उस समय तो वही तरीका होता था सरप्लस निकालने का, लेकिन बाद में जैसे फोर्ड वगैरह आए तो काम के घंटे कम कर दिए लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उससे भी सरप्लस आया लेकिन अलग तरीके से। अब फिर आप देख रहे हैं कि स्वेटशॉप्स में अगर आप देखें, या अगर आप देखें जो ये हो रहा है, मैंने स्वेटशॉप्स की बात करें या ये बात करें कि जो जो आप बात कर रहे हैं, तो ये सब फिर एब्सोल्यूट सरप्लस बढ़ रहा है। Ma'am, there is two question. I think we can club into one. Surya and Kanishka is asking. Surya is asking, can you explain the history of labor exploitation in the Indian context? I mean, the question would be like, is there a specificity in the in terms of understanding the exploitation, particularly to India? And Kanishka is relating with the question of caste inequality and etc. Well, I would say, I would think that that would kind of get related to कि आप क्या बोल रहे हैं कि किस हद तक कैपिटलिज्म कौन से एरियाज में डोमिनेंट है कौन से में नहीं है। एक कैपिटलिज्म एक बहुत रेजिलियंट सिस्टम है, तो कैपिटलिज्म एक ऐसा भी सिस्टम है जो हर तरह के सोशल फिशर्स को यूज करता है प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। तो इसलिए वो कास्ट को भी यूज करेगा, जेंडर को भी यूज करेगा, रिलीजन को भी यूज करेगा, एथनिसिटी को भी यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप
एक औरत को हल्का काम दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई मेल वर्कर्स तो रात को 8 बजे घर जाएंगे, तुम्हें तो घर को देखना है तो तुम 5 बजे चली जाओ घर, ठीक है, या 6 बजे चली जाओ, या बोला कि भाई तुम्हें तो घर में भी बहुत काम करना है तो तुम जो है तुम्हें मैं हल्का काम दे रहा हूं, मैंने तुम्हें बहुत हैवी काम नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो अब वो जो पेट्रियार्की है वो उस औरत भी उसकी शिकार है, वो कैपिटलिस्ट भी उसका शिकार है। तो औरत भी सोचती है कि ठीक है मुझे हल्का काम यहां मिलेगा बेहतर ही है क्योंकि घर में तो मुझे जाके काम करना ही है, बट हल्का काम देने के नाम पे अब वो औरत को आदमी से कम वेजेस दे रहा है। सो द कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म नॉट लेट्स नॉट टॉक ऑफ इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट हियर, सो द कैपिटलिज्म इज यूजिंग जेंडर एंड पेट्रियार्की टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। सिमिलरली कास्ट, अगर आप टैनिंग की टैनरीज की बात करें, अगर आप बोले कि भाई इट्स ओनली वन पर्टिकुलर कास्ट विच कैन टैन द लेदर एंड आप तो आपने एक तरीके से आपने और उस काम के लिए आपने कम पैसे लगाए, कम वेजेस दिए हैं बिकॉज यू आर डूइंग डिफरेंट वर्क, दैट्स व्हाई यू गेटिंग डिड एनी ऑफ यू कॉल बाय एनी चांस? नहीं ना? नो मैम ओके। तो इट डज यूज कास्ट, इट डज यूज रिलीजन, इट डज यूज रेस। तो कैपिटलिज्म तो ये सारे फिशर्स को यूज करता है अपने प्रॉफिट, जो भी तरीका यूज कर सकता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो करेगा कैपिटलिज्म, और वो करता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पर, मतलब इन जनरल थियोरी में कोई फर्क नहीं होगा इन जनरल, लेकिन ऑफकोर्स स्पेसिफिसिटीज होंगी। मैम आई हैड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, सो इफ आई मे रिपीट इट। जी ma'am, so I was asking if class inequality be an insufficient analysis to understand the world? So for example, in India, if class inequality were to go away, caste inequality would still persist, which means that even if a Dalit owns the means of production, he still cannot buy ghee at a shop with the same amount of money a Brahmin can. So do you think that that whole analysis of class inequality going away will necessarily lead to happiness? No, I agree with you completely. So basically the point is that one has to see the class inequality, one has to understand in terms of its fundamental this thing. Ki fundamentally, that is what results in exploitation. Or what you're talking of, isle balki words bhi alag use karte hain. Jo caste kaam bolte hain oppression. आप ऑपरेशन की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन जो टर्म है वो स्पेसिफिकली क्लास से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि हम किसी और के लेबर पे काम कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, किसी और के लेबर पे, आई एम लिविंग ऑफ समबडी एल्सेस लेबर, बट अदरवाइज यू आर कंप्लीटली राइट। आई मीन इवन इफ इट्स अ क्लासलेस सोसाइटी, आई मीन योर मेनी ऑफ योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल ऑपरेशन विल नॉट गो ऑटोमेटिकली विद removal of whatever class inequality. Just one interjection. Yeah, please. Basically, अभी हमारा discussion तो almost 2 घंटे होने को आए हैं और अभी भी हमारे साथ लगभग 40 लोग जुड़े हैं Facebook और Google Meet जोड़ के। तो मतलब जनरली कोई इकोनॉमिक्स का इतना लंबा डिस्कशन चल रहा है और कोई मतलब मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं है, फिर भी इतने लोग अभी भी अपना टाइम दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मतलब आज आपने जितने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं वो तो जनरली शायद अगर क्लास में डिस्कस करते तो 4-5 अलग पूरे 1-1 घंटे का सेशन ही हो जाता उसमें। सही बात है। तो अगर आज अभी का जो फेसबुक लाइव चल रहा था उसको अगर यहीं पे खत्म कर दे और मतलब आपने जो जो पॉइंट्स बताए हैं, आई मीन वी कैन कीप दिस एज अ सेट ऑफ नोट्स मे बी, कि आगे भी जाके अगर लोग खुद से भी कुछ कुछ पढ़े तो इसमें वापस रेफर करके डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फेसबुक लाइव अगर यहीं पे खत्म करते और आगे का डिस्कशन हम लोग अभी भी 30-40 लोग है तो हम लोग मीट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मे बी क्योंकि इतना कुछ आपने कवर किया इस सेशन में, अगर आप थोड़ा कुछ कुछ रीडिंग्स या टेक्स्ट भी रेफर करना चाहें तो लोग कुछ भी यहाँ से
एक तो मैं बल्कि बोलना ही चाह रही थी, एक माइक, आर यू अवेयर ऑफ माइकल हाइंड्रिक्स बुक, ये किताब क्या ये दिखेगा आप लोग को? हाँ हाँ मैम, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ ये आकार ने निकाला है, तो इंडियन वर्जन सस्ता भी है। एन इंट्रोडक्शन टू द थ्री वॉल्यूम्स ऑफ कार्ल मार्क्स कैपिटल बाय माइकल हाइनरिक। मैं नाम लिखूं क्या या क्लियर हो रहा है? मैं लिंक सेंड कर देता हूँ चैट बॉक्स में। हाँ आप कर लीजिए। एक तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत यूजफुल है, लेकिन बाकी ये डेविड हार्वी जो है, डेविड हार्वी कार्ल मार्क्स के कैपिटल पे उन्होंने, मैंने वो 40 साल से पढ़ा रहे हैं कार्ल मार्क्स का कैपिटल इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, तो उनके जो लेक्चर्स ऑन कैपिटल हैं, कैपिटल वॉल्यूम 1, वो यूट्यूब फ्री लेक्चर्स हैं, और ये आप देख सकते हैं। अब वो लेक्चर्स की एक किताब भी निकली है, दैट्स ऑल्सो बीन पब्लिश्ड एज अ बुक। सो डेविड हार्वी के लेक्चर्स देख सकते हैं, और जो एक स्टैंडर्ड किताब, जो बहुत पुरानी किताब है इसके ऊपर, वो है पॉल स्वीजी की द थियोरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। और फिर मार्क्स तो है ही, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन बल्कि हाइनरिक तो ये कहते हैं कि ओरिजिनल तो पढ़ना ही चाहिए।